लड़के लोग। हाँ अरे वो ग्लास सब उठा के रख दे, लड़के लोगों को कोल्ड ड्रिंक पिलाना पड़ेगा ना, क्या पता कितने प्यासे आते होंगे यहाँ पे। पत्रोस अंकल। अभी आया मैं। क्या रे सुना क्या तूने, गोविंद के पिताजी ने मेरा नाम क्या रखा है? भीम सेना। रुक जा बोतल लेता हूँ। हे भगवान, कोल्ड ड्रिंक्स बोलकर क्या उठा रहे हैं। सोडा डालकर अगर उसके अंदर दो पीस आइस डालेंगे तो कितना मजा आएगा मार्को। सिरोही में पढ़ने वाले लड़के लोगों के पीने के लिए ये दोगे तो। आप जैसे शराबी लोगों के पीने के वजह से ऐसे लोग पैदा हुए। शराब के नशे में पैदा होने वाले बच्चे भी शराबी होते, तो ये पिलाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? मुझे क्या तकलीफ होगी। एक, दो, तीन, चार और ये पांच, बस हो गया। उसमें थोड़ा ज्यादा है। इसमें थोड़ा ज्यादा तो हुआ है। अब लेवल हो गया। वो मिक्सिंग करेंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो कौन ठीक करेगा? वो तो मैं ठीक कर लूंगा, यहाँ का चीफ कुक मैं ही तो हूँ। ए, पहले उसे चेंज कर यार, ये दुनिया खत्म होने तक वो लोग चलते ही रहेंगे यार। वो दूसरी सीट उठा कर लो। वो रहने दो मेरे दोस्त, ये बताओ ये कैप्सूल तुमने क्यों नहीं खाया? वो एक बजाऊंगा तुझे अभी। गोपी का वसंतम। अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाओ। लेवल ठीक है, इसमें पानी नहीं डाला। पानी डालना है क्या? पानी डालने की जरूरत नहीं है ना। एक मैं उठाता हूँ, मेरे लिए बस हो गया, बाकी का तुम। पत्रोस अंकल, वो लेकर आने का अभी समय नहीं हुआ है क्या? अभी आता हूँ मैं। कितनी देर इंतजार करेंगे हम लोग। लीजिए लीजिए सब लीजिए। अरे ये लेने को बोल रहा तो तू नाचने में लगा हुआ है। मुझे नहीं चाहिए कोल्ड ड्रिंक, बस हो गया। वो सब यहाँ नहीं मिलेगा। मुझे ये सब पसंद नहीं है, बोला ना। फिर क्यों दे रहे हैं? महफिल में किसी एक के लिए अलग कैसे लेके आ सकते हैं बेटा? तुम पांचों के बाप ने मुझसे कहा है, इन पांचों को इक्वल ट्रीटमेंट देना है। पत्रोस भैया, मेरी थोड़ी तो जिम्मेदारी बनती है ना। चलो जल्दी से पी लो। आप और आपकी जिम्मेदारी, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं है क्या अंदर? हाँ है। अरे देखो फोन बज रहा है। हे भगवान, फादर होंगे। अरे वो तो 10 बजे फोन करेंगे ना। यार। अरे चर्च के फादर नहीं, मेरे फादर होंगे। मैंने आपसे कई बार बोला है, जब हम लोग यहाँ आएंगे तो फोन उठाकर दूसरी जगह रखो। उन्हें बोल देना कि हम लोग ऊपर पढ़ रहे हैं, टीवी ऑफ कर रहे हैं। चल। हेलो फादर, फादर मैं पात्रोस हूँ, इसलिए लेट हो गया। पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, बोलना। पी नहीं रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ये अलग से बताने की थोड़ी जरूरत है मालिक, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो लोग छत के ऊपर बुक्स लेकर इधर उधर खाली चलते चलते पढ़ाई कर रहे हैं। आप देखोगे तो खुश हो जाओगे। उस मामले में काफी स्ट्रिक्ट हूँ मैं। बेटे को बुलाऊं क्या? अभी बुलाऊं या पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे कॉल करने के लिए बोलूं? गॉड ब्लेस यू। वेलंकनी माता का लाख लाख शुक्र है, वो बिना बताए बोल दिए। मालिक अगर यहाँ जाते तो मेरी तो पूरी वाट लग जाती। ए, इधर देख, स्ट्रीक करके तूने ही फोन में बोला था ना, पापा को आने दो। वो कितने स्ट्रीक हैं ये देखोगे तुम। नो एंट्री का बोर्ड लगा देता हूँ। मतलब मैं क्या छुट्टी लेके भाग जाऊंगा? अरे बीमा, एक काम करो, इसे तुम पी लो, तुम्हारा डर थोड़ा कम हो जाएगा। अरे भगवान, मेरे शुभ हाथों से मैं इसे छू भी नहीं सकता। ये लीजिए, हाथ से मत छुइए। तो अभी इसे कैसे? इसीलिए तो स्ट्रॉ दिया। और आचार कहाँ है? वो लेके तो 70 चला गया। अभी जुबान मत चढ़ाओ, चलो निकलो यहाँ से। अरे रे, एक नंबर का शराबी लगता है ये। ए, इधर आ, ये अपने मुंह में डाल ले। अजमल, तुझे मेरी तारीफ करनी चाहिए, वरना मैं काम नहीं करूंगा। तुझे थोड़ा ओवरली नहीं लग रहा क्या? इसके लिए तू ऐसी बात करके यहाँ आया? कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए हानिकारक होती है, ऐसा न्यूज़ में सुना था। उसके लिए बहुत बड़ा दावा ऐसा है। ये किसके लिए लेकर जा रहा है? एक बहुत ही प्यारे इंसान के लिए। मेरे बारे में तुम्हें ऑलरेडी पता तो है? हाँ, वो मुझे अच्छी तरह से पता है। वो एक तू खा ले। सिर्फ एक ही पीस? मेरा कुत्ता भी मुंह नहीं लगाएगा। एक एकदम बढ़िया पीस मैंने उठाकर बाजू में रख दिया। हे मदर, सबकी रक्षा करना। सबकी रक्षा करना मदर। सारा जल्दी आओ ना। कितनी देर से मैं आपका इंतजार कर रही हूँ पता है आपको? मैं प्रे करके सोने जा रही थी, आइए। इन शैतान लोगों को सुला के आने में मेरी क्या हालत हो गई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। ये लो,
खोल के देखो। आपने शराब पी है? आपके मुंह से बदबू आ रही है। जो चीज अपने आप चलकर अपने पास आती है उसे कभी रोकना नहीं चाहिए, ऐसा जीसस ने कहा है। वो लड़के लोगों ने प्रेयर खत्म करके बियर के दो घुट मुझे भी पिला दिए तो मैंने पी लिए बस। तुमने ऐसे कैसे अकेले पी ली मुझे छोड़कर? जब तुम पीते हो तब दूसरों को भी पिलाओ, ऐसा जीसस ने कहा है, ऐसा तो मुझे नहीं लगता। पर मुझे याद आई, तुम्हें लेके आया। अरे ओ, जब खुशी होती है तो हमें सबको उसमें शामिल करना चाहिए। ये लो। कितना कड़वा है ना। तुम्हारी कड़वाहट मिटाने का तरीका है मेरे पास, इसे खा लो सब मिट जाएगा। अरे भगवान, ये सब तुम्हारी कृपा है। आज प्रे करते वक्त मुझे मुर्गन जी ने दर्शन दिए थे। यानी बार बार तुम सपने में मुझे देखती हो ना। भगवान, ये सब तुम्हारी कृपा है। मैं इसे उठाकर फेंकता हूँ। अरे चिल्लाओ मत यार, मुझे एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग आउटिंग पे चले। अच्छा आइडिया है, लेकिन पापा को पता चला तब। वो सब अपना पत्रोस देख लेगा रे। अच्छा सुनना, हम उस गोपी और उसकी टीम को साथ लेंगे तो सही रहेगा, है ना? ए, एकदम ओवरली नहीं करने का, अगर वो लोग आ जाएंगे ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ ये सही कह रहा है। ए, ऊटी से गिफ्ट लेके आऊंगा, तूने उन लोगों को बताया था ना। ए, ऊटी में मिलने वाली सारी चीजें यहाँ पर मिलेंगी। ऐसा क्या? अरे चल ना यार तू। ये अच्छी है, इसकी स्मेल भी अच्छी होनी चाहिए। क्या है रे? सुब्बू भैया। सुब्बू भैया नहीं, मेरा नाम लुक्का है। ए, तू मेरी बहन को छेड़ रहा है? क्या रे, क्या समझकर तूने हम लोगों पर हाथ उठाया? हाँ गोविंद, प्रिंसिपल ने तुझे बुलाया। बार बार प्रिंसिपल बुलाते रहता है, अब क्या है? ए जाना, बैग उसे दे दे। फिर क्या, तू भी जा, बैग भी लेकर जा। लोगों को वहीं पर रहने दो। ए माधव, वो अभी आए नहीं क्या? अरे उनके सर के बाल सफेद हुए ना, बूढ़े लोगों को कोई काम धंधा नहीं रहता। साथ में लेकर आएंगे तब भी उन्हें चैन नहीं मिलेगा। एलकेजी पढ़ने वाले बच्चों जैसा। हम यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, इस बात की जरा भी चिंता नहीं है उनको। हम लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, इस बात की उन्हें जरा भी चिंता नहीं है। ये देखो रे, सब लोग लाइन बना के आ रहे। अरे वो देख उधर, इसे देखो, वो देखो उधर, देख आ रहा है ब्लैक कैच प्रोडक्शन। इन बुढ़े लोगों को कोई काम धंधा नहीं है, जरा भी शर्म नहीं आती है, घूमते रहते हैं सिर्फ। सुबह सुबह कार लेकर आया हमारी जान लेने के लिए, दूसरा कोई काम धंधा नहीं है। बेटी कहाँ कॉलेज जा रही हो? इन लड़कों से बचकर रहना। बेटी संभल के रहना, वो लड़कियों के पीछे घूमने वाले लड़के हैं, थोड़ा ध्यान देना। आप लोग वापस घर आने तक शांति से रहना, बहुत बदमाश लड़के हैं वो, उनसे दूर ही रहना बेटी। बाय 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 बाय। ओ परी लोग, जिन लोगों का सिस्टम ऑफ है उन बुड्ढों को सुबह सुबह क्यों परेशान करती हो? हम लोग आकर पिकअप कर लेते तुम्हें, क्या बता देती, हम पहुँच जाते। हाँ फिर पूछने की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाँ 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 हाँ, वो ठीक है, तुम लोगों को भी तो सिस्टम ऑन करना नहीं आता। हमें माफ करो, तुम लोगों को तो वो ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर ही पसंद आता है। ज्यादा हंसो मत, जो तुम लोगों को सूट हो वो उधर है। हाँ जाकर देखो। डियर बॉयज, आई एम PS पीताम्बरम, डायरेक्ट मार्केटिंग सेल्स एग्जीक्यूटिव। हाँ हाँ आइए आइए आइए, आपको जिस चीज की जरूरत है वो मेरे पास है। क्या है वो? IQ टॉपर कैप्सूल। हाँ। अगर इसके बारे में मैं कहूँ तो खाते ही दिमाग बढ़ना शुरू हो जाता है। दिमाग बढ़ता है? हाँ। कंफर्म है? ये, हाँ। तो भी एक लेकर खाओ। 100% गारंटी। 100% गारंटी है? हाँ। अरे यार ये तो तुझे खाना चाहिए भाई, खा ले। अमेरिकन कंपनी का प्रोडक्ट। हाँ, है। एक सेकेंड, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ? इतने सारे लोग खड़े हैं, सिर्फ हमारा ही दिमाग कम है, ये तुम्हें कैसे पता चला?
ये बात तो तुम्हें बतानी पड़ेगी। देख कर पता चल ही जाता है। वो रहने दो मेरे दोस्त, ये बताओ ये कैप्सूल तुमने क्यों नहीं खाया? अरे ऐसे क्या कर रहे हो? आप लोगों की छोटी उम्र है ना, इसलिए मैंने कहा। मेरे पास और एक आइटम भी है। ये कूलिंग ग्लास ही है, एकदम साधारण कूलिंग ग्लास, लेकिन इसकी अलग स्पेशलिटी है। इसे लगाते ही आंखों को ड्रेस नहीं दिखाई देता, मतलब सामने वाले ने पहना हुआ ड्रेस नहीं दिखता। ये सुना क्या? जो कह रहे हो सब ठीक है, हम लोगों को भी बहुत पसंद आया। ये सुनने के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है? एक काम करो आप, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं और उनका IQ थोड़ा कम हो गया है, वहाँ जाकर आप सेल्स करेंगे तो जरूर खरीद लेंगी वो। आप उनसे जो भी बोलेंगे वो आपको थैंक यू करके बोलती रहेंगी। आप सिर्फ हाँ हाँ बोलते रहो, जाओ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कितने दिन से बोल रहे हो? घर पर एक भी सामान नहीं है। वो दुकान वाला रोज आकर मुझसे झगड़ा करता है। बच्चों का रोना मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। तुम मेहरबानी करके जरा चुप रहोगी क्या? सुबह सुबह मेरी जान मत खाओ तुम। देखो भगवान ने तुम्हें पहले से कितना सारा दिया है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। उसके लिए आप उनके बताए हुए रास्ते पर भी तो नहीं चल रहे हो, हमेशा गलत काम करते हो। तुम देख लेना, मेरा रास्ता अलग रास्ता है, देखो मैं कैसे चलता हूँ। अरे आपका ये बैग नहीं चाहिए क्या? भूल गए क्या? ये बैग दो मेरे पास। मामा। हाँ क्या? मेरी दवा खत्म हो गई। ये देखो बेटा, मुझे सब कुछ पता है। तुम्हारी दवाइयाँ खत्म हुई है ये भी मुझे पता है। मैं आते वक्त लेकर आता हूँ। ठीक है मामा। मैं आपको परेशान करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं और ये यहाँ और कितने दिनों तक ऐसे जी सकते हैं? पैसों के बिना पति के घर जाऊंगी तो आप जानते हैं ना क्या होगा। हाँ हाँ मुझे भी पता है। और ऐसा दिन भर तुम्हें रोता हुआ देख के अल्लाह को भी बुरा लग जाएगा। ए अली। हाँ बोलो माँ। तुम जब आओगे ना मेरे घुटनों की दवा लेकर आना, मैं 3 दिन से बहुत परेशान हूँ। देखो बेटा इस बार मेरी दवा लाना मत भूलना। ये देखो मैं भूला नहीं हूँ, बस पैसे नहीं थे इसके लिए ले नहीं पाया। आज मैं आते वक्त जरूर लेके आऊंगा। हाँ मुझे पता है मेरी परेशानी कितनी है। तुम दुकान पर जाकर जरा सामान ले लो, अगर पैसों की बात मुझसे नहीं होगा। उधारी सुन सुन के मैं थक गई हूँ। हाँ वो भी ठीक है। और बच्चों तुम खेल रहे हो क्या? अच्छे से खेलो, मैं निकलता हूँ। क्या हुआ बेटा? मुझे स्कूल जाने के लिए बैग खरीदना है, फॉरेन बैग। आज ही फॉरेन जाकर तुम्हारे लिए बैग लेकर आना काफी मुश्किल है। चलो फिर भी मैं देखता हूँ। और तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मुझे चॉकलेट चाहिए। या अल्लाह मैं खुद इस बात को भूल गया था, मेहरबानी करके तू याद मत दिला बच्चे, कुछ और सोचना। हाँ तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मुझे खिलौने वाला सेलफोन चाहिए। तुम इतनी अच्छी बातें करती हो ना, तो तुम्हारे लिए जरूर लेके आऊंगा। इस शहर के सारे शैतानों के पास वही तो है। देखो बच्चों अभी मैंने जो कुछ भी बोला वो सब भूल जाओ और गोल गोल घूमते रहना यहाँ पे, ठीक है? खेलो। और क्या चाहिए आपको? हाँ क्या ले भाई, कहाँ गए थे इतनी देर से आप? क्या बताऊँ भाई, उसने वापस बुला लिया था। किसने? वही अपना जॉर्ज बुश। आज के बाद वो जॉर्ज बुश भी आपको डायरेक्ट बुलाने को बोलेगा तो मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। वो आदमी फ्लाइट से जाने की दूर से ज्यादा आप इधर चल रहे हो ना, वही है। नहीं नहीं मेरे चलने का कोई फायदा नहीं है, ना ही मेरे पास बैठने का टाइम है। तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी। ऐसा नहीं है भाई, कुत्ते को काम तो नहीं है और बोल रहा है खड़े रहने को समय नहीं है, ऐसी कहावत है वो। तेरे हिसाब से वो एकदम सही है, बिल्कुल सही है ना। हाँ, हाँ अली भाई, वो वासु मालिक और करुणा करण मालिक दोनों ने फोन करके बुलाया है। अल्लाह वो तो ऐसा बुला रहा है जैसे कि मैं इंतजार ही कर रहा हूँ ना। ओह मैं तो भूल ही गया था। हेलो। हाँ मैं अली बात कर रहा हूँ। पर वो क्यों? आप ही अली भाई हो क्या? हाँ हाँ वो मैं ही हूँ। एक मिनट आइए, आपसे अकेले में बात करनी है। हाँ। अली भाई ये सब लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, हम लोग एक अच्छा सा बिजनेस शुरू करने वाले हैं। कौन सा बिजनेस? हमें 2 हाथी चाहिए, मतलब 2 हाथी के दांत। पैसा बिल्कुल रेडी है। अरे ऊपर क्या देख रहे हैं, जो भी है बताइए ना। हाँ बताइए ऊपर क्यों देख रहे हैं, क्या वो लोग आपसे कुछ जबरदस्ती खरीदने आए हैं? वो लोग खरीदने नहीं आए, हम लोग जबरदस्ती खरीदवा रहे हैं। चीज रेडी है, हम लोगों ने उनको जुबान दे दी है। जब हम लोगों ने इंक्वायरी की तो हमें पता चला कि हाथी के दांत के बारे में आपको अच्छे से पता है। हाथी के बारे में मुझे काफी अच्छी तरह पता है, वो दुनिया में सबसे बड़ा प्राणी होता है, अपने बच्चे लोगों को जन्म देकर उन्हें दूध पिलाता है, अच्छा जानवर। अरे मजाक करने का समय नहीं है भाई, मुद्दे की बात करिए। जल्दी से भाग कर जाना और लेकर आना, ये क्या कोई छोटी बात है क्या? सामान तो जरूर मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको और 2 दिन तक वेट करना होगा। इतने दिन वेट करना पड़ेगा?
अगर आप वेट करोगे तो शायद आपका काम जल्दी भी करूंगा, मगर आपको पेमेंट देकर बिल फाइनल करनी हो। वो हम देख लेंगे। यहाँ रुकने के लिए कोई अच्छा होटल है क्या? अरे क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना, इंतजाम करता हूँ। चलो चलो चलो। हाँ चलो। हाँ रुको रुको। चलो। अरे अली भाई, हम यहाँ हैं, भूल गए क्या? भूल भी गया तो भी याद दिलाने के लिए मैं आते ही रहता हूँ। हाँ। सब लोग है ना बिजनेस पार्टी के लिए आए हैं, समझे? यहाँ पर रहने के लिए कोई तो अच्छा सा रूम देखकर इनके लिए जरूर देखना। एसी होना चाहिए। हाँ। रूम में एडवांस दे दीजिए। हाँ। अभी आप लोग नहा धोकर मस्त रेस्ट कीजिए, मैं अपने घर जाकर तब तक सारा काम निपटा कर यहाँ आ जाता हूँ। आप लोग वेट करना, कैसे भी करके मैं हाथी का दांत जरूर लेके आऊंगा। वो बस हो गया, हो सके तो आप चीज को रेडी करा दो। वो तो मैं देख लूंगा। और वैसे भी हमारी जो डील है वो ये है कि मेरे डायरेक्ट बात करने के बाद ही आप वहाँ पे आ सकते हैं। हाथी के दांत बेचने वाले आदमी से मैं आपको मिलवाऊंगा। कीमत कुछ ऊपर नीचे होगी तो आप सब मिलके बात कर लेना, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। तो तुम्हारा कमीशन कितना होगा? ठीक है, फिर मुझे मिलने वाला कमीशन 10 या फिर 15 मिलना चाहिए। एडवांस में कितना लोगे? ठीक है, एडवांस आप 5,000 दे दीजिए। दे दो भाई। ये लीजिए। एक दो ये लो, जरा ज्यादा हो गया। मैं ज्यादा पैसे की लालच नहीं करता हूँ। हाँ चलता हूँ। बच्चों, अरे बच्चों, अरे कहाँ पर हो? आ जाओ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। ये लीजिए, इसे पकड़ो। गाड़ी का सारा सामान उठाकर अंदर रख दो। ये लो, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, और ये लो फॉरेन का बैग लाया। थैंक्स पापा। चलो चलो अंदर जाओ, खड़े रह के तमाशा मत देखो, मेरी मदद करो। अल्लाह, ये सारी चीजें कहाँ से खरीदी आपने? इतना पैसा कहाँ से मिला आपको? कभी कभी अल्लाह छप्पर फाड़ के देते हैं, बस उनकी कृपा है। हाँ। फिर भी इतना सारा पैसा अल्लाह ने कैसे दिया? चाय पीने के लिए जब मैं दुकान के अंदर गया था, वहाँ मेरे इंतजार में 4 मुस्टंडे पहले से खड़े हुए थे। क्यों? वो लोग कह रहे हैं उनको हाथी का दांत चाहिए था। या अल्लाह, हाथी का दांत? आपको कहाँ से मिला हाथी का दांत? उसका तरीका मैंने ढूंढ निकाला है। तुम इस बैग को पकड़ो, मैं इसे ऊपर से निकालता हूँ। ये लो। हाँ देखो, हाई रेंज में किसी ने भी ऐसा पता नहीं लगाया होगा, ऐसा ब्यूटी स्पॉट है, एक सुपर हिल है, रिजॉर्ट के लिए बेस्ट। ये अवैध जगह है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अभी उनके पास रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है। वो ओनर बहुत चालाक है, रेट अपने हिसाब से नहीं आ रहा है। मैं कैसे भी करके खरीद लूंगा और फिर 5-स्टार डीलक्स स्टैंडर्ड का रिजॉर्ट बनाऊंगा। हाँ। हम सब साथ मिलकर रहेंगे ना? हाँ, हम पांचों मिलकर हमेशा साथ रहकर जो काम करते हैं ये वही है। श्रीमती जी का पति इंद्रसेन सर, सिंगापुर के मंदिरों को साबुनों से नहलाने की वजह से आ नहीं पाऊंगा, अचानक बोल दिया उन्होंने, तो अब क्या करें? इसलिए डॉक्यूमेंट में दस्तखत करने की जिम्मेदारी आपकी। आप जिस जगह पर दस्तखत करने के लिए बोल रहे हो ना, वो पूरे दिन वही करते हैं। अरे जितनी भी डीलिंग्स होती हैं सब में पैर रख देते हैं और फिर उसके बाद 24 घंटे परेशान रहते हैं। अरे तुम चुप रहो, अगर कमाना है तो ये करना ही पड़ता है, समझ गए? अपने बच्चों के लिए है, उनकी खुशी के लिए है ये सब, और किसके लिए है बताओ? बेचारे बच्चे इतनी रात को जाकर पढ़ाई करते होंगे। हाँ, अभी उनका काम यही है, सिर्फ पढ़ाई करना। क्यों? कुछ भी हो जाए, अपने बच्चों से फोन पे बात किए हुए 2 दिन हो चुके हैं। बच्चे जब भी देखो पढ़ाई करते रहते, पतरोस मुझे फोन करके बता रहा था। हम बार बार वहाँ जाकर उन्हें तकलीफ ना हो इसलिए नहीं कर रहा, समझ गए? अगर वो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे तो उन्हें इसकी आदत हो जाएगी। हाँ। अपने एम को ढूंढने का काम उन्हें ही करना चाहिए। आप जरा बच्चों को कॉल कीजिए प्लीज। नो, शराब पीते समय उसे फोन पर नहीं बुलाऊंगा, हमें एक दूसरे के लिए गलत उदाहरण नहीं बनना तो चाहिए। क्या हुआ, मैं बुलाता हूँ उसे, एक कटिंग पीने के बाद ही मैं उसे फोन कर सकता हूँ। ये मैंने कार्ड डाल दिया। अरे जा, फोन बज रहा है, जाकर देख। फोन तुम मत उठा, पथरोज भाई को बुलाओ। मैं और चिकन लेकर आता हूं। चल रे पत्ते खोल, चल जल्दी चल।
हेलो, कौन बोल रहा है? मेरा नाम पत्रोस है। पत्रोस? तू पत्रोस नहीं है, सिर्फ दसरोस है। हाँ। जी हाँ। ए, लड़के लोग कहाँ हैं? लड़के सब पढ़ाई कर रहे हैं मालिक। चले रे जोकर। जोकर है। सर आपको एक बात बताऊँ, एक जोकर करके फिल्म आ रही है, काफी अच्छी फिल्म है, पर देखने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ए, पत्रोस, तू जो बोल रहा है वो सच है ना? मुझे तो डाउट आ रहा है, उन लड़कों के साथ मिलकर तू भी झूठ बोल रहा है। नहीं 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 मालिक, मैं अपने मन से थोड़ी ना कुछ कह रहा हूँ। सारे लड़के एकदम सोने की तरह है इस जमाने में, इतना होश में रहने वाले, नहीं नहीं होशो हवस में रहने वाले, माँ बाप की बात सुनने वाले लड़के और कहाँ मिलेंगे। हे, ये सब तू उनके सामने मत बोलना, ये सब उनके माँ बाप के संस्कार है, समझ गए? हाँ, समझ गया। ये मुझे पहले से ही पता है मालिक। और सुन, बच्चों के लिए अच्छे से खाना बना कर दे रहा है ना तू? हाँ दे रहा हूँ ना, पूरा पेट भरने तक दे रहा हूँ। मटन, बकरा, चिकन, मुर्गी, क्रैप, कोकड़ा और जो बोलो वो सब। हाँ बस हो गया, इससे ज्यादा मत देना, समझे? ज्यादा बिल्कुल नहीं दूंगा, ये तो मैंने पूरी दावत देखी रखी है। पकड़े हुए मुर्गे को तंदूर बना के दे रहा हूँ। कौन है वहाँ ताली बजा रहा है? वो ताली मारने की आवाज थोड़ी है, अब वो तो मार्कोस चपाती के आटे को मार मार के गूंद रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चल जाकर काम कर चल। भाई आपने तो कमाल कर दिया भाई, इतना खूबसूरती से झूठ बोलना आपने कहाँ से सीखा भाई? देखो पढ़ाई ना लिखकर होती है, अगर आप लोग मुझे कुछ लिखकर देंगे तो आपके पिताजी अभी के अभी इस बात को मान लेंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, कुछ भी हो जाए मेरे बाप के सामने तेरा परफॉर्मेंस सुपर है, एकदम सुपर। इधर देख, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, हम सभी को जुआरी बनाने वाले तुम ही हो, अगर पता चल गया ना। ये देखिए, शराब पीना भी आप ही ने सिखा है, पापा को पता चल गया तो। ये बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है कि उम्र में सब लोग पढ़ाई करते हैं, फिर इस गेस्ट हाउस में लड़की को लेके आने वाले तुम ही हो ना, अगर ये बात पापा को पता चल गई तो क्या होगा? तुम कुछ भी करो, तुम्हारे पापा को मैं बेवकूफ बना रहा हूँ, ऐसा उन्हें पता चला तो क्या होगा? पता चला तो पत्रोस की कहानी उसी दिन खत्म। मेरी वेलंकनी माता जी, अब मैं क्या करूँगा? पत्रोस भाई, अगला कोल्ड ड्रिंक्स रेडी कीजिए। हाँ ये लीजिए भाई, ये पत्रोस भाई की चिंता खत्म करने के लिए। पैसा मिल गया ना, फिर सामान निकालो। कल की खुली हुई बोतल में कुछ बचा हुआ है? हाँ निकाल चल। इसमें तो थोड़ा सा ही है। ए कोल्ड ड्रिंक है ना, है? थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर इसे भेज दो। अरे बच्चों को पता चल जाएगा ना। अरे ये लोग तो पहले से नशे में ही है। अरे अली कहाँ चला गया, दो दिन से कोई अता पता नहीं है। वो पैसे लेकर धोखा देके चला गया क्या? ऐसा काम करने वाला इंसान देखा नहीं। अरे मतलब वो आदमी है कहाँ, पैसा गया लगता है। सर आपकी चीज रेडी है, जल्दी मेरे साथ आइए, चलिए। हम लोग इंतजार करके एकदम निराश हो गए यार, चीज कहाँ है, बहुत दूर जाना है। ये देखो बातें करने में टाइम वेस्ट मत करो, तुरंत यहाँ से चलो, मैंने बहुत मुश्किल से उस चीज का पता लगाया है। जल्दी से जाते हैं, सामान लेके निकल जाते हैं। रेडी रेडी। लेकिन इसमें ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो मालिक जो है बड़ा लफड़े वाला है, इसके पहले की डील में उसने थोड़ा लफड़ा किया था, इसके लिए मैं दूसरे आदमी से डीलिंग कर रहा हूँ। मैं दूर खड़ा रहूंगा और हाथी के दांत को और उस आदमी को दूर से इशारा करके तुमको दिखा दूंगा, आप जाकर उससे बात करके डीलिंग करके काम खत्म करके हाथी का दांत लेकर आ जाओ। ओ हम लोग देख लेंगे हाथी का दांत है कि नहीं। क्या आप भी ऐसी बातें करते हैं, एकदम बढ़िया कमाल का हाथी का दांत है, फटाफट निकलिए और मेरे कमीशन के पैसे दे दीजिए। ए राजेंद्र, इसके बाद इसको ले जाकर नहला देना। ठीक है मालिक। वो जो दिख रहा ना आपको वहाँ पे, वही तो मालिक है, आप उनसे मिलके बात करिए और सीधा रेडी कैश दे दीजिए हाथ में। देखिए रेट की बात एकदम संभाल कर करना, आप जल्दी जाकर डील करके आइए, मैं तब तक गाड़ी में बैठा हूँ। जाइए जाइए। आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हमें बातों में समय बर्बाद नहीं करनी चाहिए, कीमत क्या है वो बता दीजिए, हम लोग कैश अपने साथ में ही लेकर आए। क्या है यार ये, मेरे पास हाथी का दांत भी नहीं, वो बिजनेस भी नहीं करता हूँ। हाथी जहाँ है वहाँ हाथी का दांत नहीं होगा, डरिए मत, हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से नहीं है। देखिए सच्चाई क्या है मैं बताता हूँ, हाथी के दांत से मोती कैसे बनानी है ये फॉरेनर्स को बताना है, वो सब लोग स्टूडेंट्स हैं, इसलिए दाम ज्यादा मत मांगिएगा, फिर भी आपको कोई लॉस ना हो कुछ ऐसी डील कर लेते हैं हम। ये देखिए ये पूरा सूटकेस भरकर पैसा है, डील कर लो और सूटकेस में भरा पैसा आप ले लो। मेरा अपना खुद का एक हाथी है, उस हाथी के दांत को मैंने कभी छुआ भी नहीं, मेरा उसका बिजनेस भी नहीं,
आप लोगों को किसने यहाँ भेजा है? हम लोगों को यहाँ भेजने वाला अली भाई, ब्रोकर अली भाई। ऐसा क्या, सुपर। आप दोनों एक दूसरे से बात करेंगे, झगड़ा करेंगे, इस डर से हम उन्हें लेकर नहीं आए। दो तीन दिनों से हम लोग इस दांत के लिए यहाँ रूम लेकर ठहरे हुए हैं, और पता है अली भाई को 10,000 रुपए भी दे चुके हैं। कुछ न कुछ तो रहेगा जरूर, वरना अली भाई हमसे पैसा नहीं लेंगे। आप डरिए मत, कीमत कितना है बताइए और डील खत्म कीजिए। इस जमाने में इस तरह के बेवकूफ हैं ये लोग, यहाँ पर हाथी का दांत दिखाकर आपसे पैसा लेने वाले हैं। जिंदा रहने वाले हाथी के दांत निकालने के लिए आप लोग आए हैं यहाँ? ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जाकर अपना पैसा ले लो। चलो चलकर देखते हैं कहाँ गया वो। ए, गाड़ी को रोक रहे। आज मैं उसकी हालत बिगाड़ दूंगा, तुम देखना। ए अली भाई, अली भाई, अली भाई कहाँ है? अली भाई कहाँ है? लाओ उसको, अंदर से बाहर निकालो। सुनिए जी, आपको कोई बुला रहा है। अरे कहाँ भाग रहा है? इधर नहीं, इधर। अरे रुको नहीं तुझे। अरे क्या कर रही है? छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं कितनी बार मना करती हूँ कि ये सब मत करो, हाथी को खेल मत समझो, कितनी बार मना किया है, पर आप मेरी सुनते कहाँ हो? अब मिल गया ना सबक आपको। ये सब मेरी ही गलती है। पैसे के बिना मैं घर आता हूँ तो तुम मुंह फुलाकर बैठ जाती हो, और अगर किसी को बेवकूफ बनाकर थोड़ा सा पैसा लूटा तो भी तुम गाली देती हो। मेरा इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसने क्या दारू पी रखी थी? देखो तो क्या अली भाई, बेवजह ये सब काम क्यों करते हो? इसके बारे में बात करके क्या फायदा? कोई भी काम किए बिना हाथी के सिर्फ दो दांत देखकर मुझे एक आइडिया आया था, उसे देखकर इसे आइडिया आया, उसी वजह से ये सब हो गया। उन लोगों ने आपको ज्यादा तो नहीं मारा? क्या अभी सवाल पूछ रही है? कोई किसी से पूछकर इस तरह से मारता है क्या? अरे देखो अली भाई, ऐसे धंधे में जाओगे तो मार तो पड़ेगी ना। हाथी और हाथी का दांत लेकर आने वाला तू कौन होता है? तू क्या वीरप्पन है क्या? तुम अपना काम धंधा चुपचाप नहीं कर सकते थे है? घर पर जो भूखे रहते हैं वो क्या ये सब सोचते बैठेंगे? बीवी बच्चों का कष्ट देखकर मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूँ। कितने लाचार है, थोड़ा पैसा दे दीजिए। बच्चों की तकलीफ देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, जो मेरी जेब में है वो दे देता हूँ। कितना है, कितना जो भी है रख लो, ले जाओ, देता दे दो, रख लो। आप लोग इतना खुशी से दे रहे हैं तो धन्यवाद के साथ ले लेता हूँ। ये लो पैसे। एसपी की लड़की को कितना भी ट्राई कर लूं, पलट कर देखती नहीं। मैं भी बहुत ट्राई किया हूँ। हेलो 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 हेलो, सब लोग जरा रुक जाइए। एकदम अच्छा है रे। ओह गॉड, आप लोग कोई फैशन दिखाने वाले हो क्या? जरा इधर सोच कर देखो, ये जिंदगी एक फैशन परेड ही तो है। कितने सारे स्टेजेस, कितने सारे कैरेक्टर्स। ओह सुपर, कितना कमाल का परफॉर्मेंस है। थैंक यू, सुबह कुछ अलग दवा खा ली? हाँ, शायद तुम्हारे बाप की दवा खा ली होगी। ये वो जब सुबह उठते होंगे ना, अपना खुद का चेहरा देखकर उठते होंगे। देखो, ज्यादा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लिमिट में उड़ाया करो। ये देखिए, इतना स्टाइलिश ड्रेस पहनोगे तो लड़कियां तो पीछे पड़ेंगी ही ना। देखकर पीछे आने वाली लड़कियों का हम लोग कभी भरोसा नहीं करते हैं, पता है क्या? अभी हमारे पास जो लड़कियां खड़ी है ना, काफी है। ये सब ऐसे ही बोल रहे हो ना, हम लोगों को पता है सब। अगर हम लोग तुमसे स्मार्ट दिख रहे हैं तो आप जलने के बजाय अच्छा ड्रेस पहन लेती है ना। ओ, आपके फैशन जैसे ड्रेस हमारे पास नहीं है। अच्छा सुनो, आपकी जैसे फैशन करके हमें अगर घूमना हो तो आपको ड्रेस लेकर देना होगा, है ना फ्रेंड्स? हाँ, अगर आप लोग हमको ये ड्रेस ला कर दोगे तो हम लोग भी कॉलेज में इसे पहन के धमाल करेंगे, ठीक है ना? क्या हुआ, अब इतना साइलेंट क्यों हो गए, बोलो ना। साइलेंट कौन हम लोग? अगर तुम लोग साथ दोगी ना तो तुम्हारे लिए साड़ी जैकेट सब कुछ ला कर दूंगा, ओके ना? चलो बाय। क्या सब्जी वगैरह सब सूख गया ऐसा लग रहा है? सब फ्रेश है सर। इस लिस्ट में जो है वो सारा भाजी दे दो। ठीक है सर। तू जनरल स्टोर पर जाकर ये सब खरीद के लेके आ। ये सब निकाल दो। ये क्या बहुत लंबी लिस्ट है। ये कितने किलो? ये 1 किलो 30 रुपया। 30 रुपया? वो भी टमाटर का? क्या कॉमेडी कर रहा है क्या? कॉमेडी वगैरह कुछ नहीं, 1 किलो टमाटर 30 रुपए। कल जंक्शन पर लॉरी में तू 2 रुपए में बेच रहा था,
और आज 30 रुपया हो गया। वो सब मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ पर 30 रुपया ही मिलेगा। तो प्याज कैसे है? प्याज 50 रुपया है। अबे रुक, ये लिस्ट मुझे वापस दे, कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ से। यार ए, मजाक करता है तू क्या? आधा सामान पैक करने के बाद कहता है सब्जी नहीं चाहिए? हम लोग सुबह से यहाँ लगे हैं, पागल समझते हो क्या? तुझे लूटने के लिए मैं ही मिला था क्या? इज्जत से मेरा लिस्ट वापस दे। इज्जत से तू भी सब्जियां ले और पैसे देकर जा। अलीबाग से आया क्या? क्या बोला रे तू, अलीबाग से आया हो क्या? मैं तेरी तो चुपचाप पैसा दे दो मेरा। लोगों को एड़ा बनाते हो हरामी कही के। अबे बोलूंगा तो क्या कर लेगा बे तू? देख छोड़, किसको धमकी दे रहा है बे? अगर ये तेरा बाप है तो मैं इसको धमकी दे रहा हूँ। देख बेवजह लफड़ा मत कर, चल निकल यहाँ से। चल निकल रहे यहाँ से। अबे टकले, चल निकल कर रहा हूँ। अरे मार डाला। अरे मेरे दोस्त पे हाथ लगा। मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। अरे रुको, नहीं छोड़ा छोड़ा छोड़ा, आजा आजा। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक, क्यों मार रही है? मुझे नहीं उनको मारना है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? बंदूक खेल रहे हो? अरे नहीं, मार सर, मार सर, साले भी मेरे सच्चे दोस्त हो, मारो मारो उनको, मारो। चल भाग, चल भाग यहाँ से, चल भाग निकल। ये सब तेरी वजह से हुआ है, सबसे पहले तो तुझे मारना चाहिए। ये ले, मेरी वजह से क्या? मैंने कुछ नहीं किया। ये ले, ये ले। पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। क्या लफड़ा कर रखा तुम लोगों ने? सर ये लोग तो सब अपने बच्चे लोग हैं सर। कॉन्ट्रैक्टर भार्गव और मिनिस्टर इंद्रसेन सर के बेटे लोग हैं सर ये सब। इस मार्केट के सारे गुंडे लोग मिलकर अपने बच्चों को मार रहे थे, मैंने तो किसी को छुआ भी नहीं। इन्हें पकड़ो और जीप में बिठाओ। अरे अरे मुझे नहीं, टकले को लेके जाओ। सर ये लोग बेवजह यहाँ पे आके लफड़ा कर रहे थे। ए, मुझे मत बता, गाड़ी में बैठ पहले। चल सर, तेरी बात सुनिए। सॉरी सर। क्या हुआ, क्या हुआ, एकदम शांत क्यों खड़े हो? मुंह काला किया क्या? किसकी हिम्मत है इतनी? बोलो किसकी हिम्मत है, बोलो। अरे ए, तुझे क्या क्या है तुझे? हाँ अंकल, हम लोग से गलती हो गई, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कसम खाता हूँ अंकल। ए, तेरे बाप ने अच्छा नाम कमाया है, उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है तू? हाँ हा? नीचे सर झुकाकर खड़ा है। ए, तुम लोगों की कोई गलती नहीं है, वो चोर कहीं का। तुम लोगों ने जो गलती की है वो उस चोर की वजह से। कहाँ है वो, कहाँ है वो पत्रोस? सामने आओ। मालिक आप मुझे कोई भी सजा देंगे मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ। मालिक मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो मालिक। ऐसी गलती दोबारा फिर कभी नहीं होगी मालिक। बिना माँ बाप के बच्चे को खाना पीना देकर अनाथ को इतना बड़ा करने वाले आप ही हो मालिक। इस अनाथ को एक और मौका दे दो मालिक। अरे चुप रहे, इसका मतलब अपनी गलती तुम स्वीकार करते हो? आज के बाद से ये गलती नहीं होगी, है ना? मैं अपनी वेलंकनी माता जीसस क्राइस्ट और आपकी कसम खाता हूँ। अरे कमीने कहीं के, तू इस तरह आंसू बहाएगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, ऐसा लगा तुझे? हाँ
तुम लोग इससे सतर्क रहना। इस तरह आंसू बहाकर, माफी मांगकर, गिड़गिड़ाकर अगर तुम बच जाओगे ऐसा तुम्हें लगता है तो तुम गलत सोच रहे हो। अमीर होकर भी हम तुम्हें पाल रहे हैं, तुम्हें कैसे सुधारना है हमें अच्छे से पता है। बच्चे लोग कुछ भी करे तो उन्हें माफ करने वाले माँ बाप नहीं है हम, ये बात याद रखना। तुम लोगों के माँ बाप है हम। जब पैदा हुए थे तो मिनिस्टर, कॉन्ट्रैक्टर या एक्सपोर्टर नहीं थे, लेकिन तुम लोग एकदम आराम से घूमते हो। तुम्हारी उम्र में हम गधे की तरह मेहनत किया करते थे। एक बार माफ कर देता हूँ तुम लोगों को, अगर दूसरी बार तुम्हारी कंप्लेंट आ गई तो समझ लेना। ए पत्रोस, इसके बाद तो तू सुधर ही जा, बेवजह दूसरे तुझे सुनाते हैं, तुझे अच्छा लगता है क्या? मेरे मुंह से कहीं गाली ना निकल जाए। ये आपने देखा क्या? मैंने जो नहीं देखा ऐसा क्या है उधर? मैं वो नहीं कह रही हूँ, मैं हिसाब के बारे में बोल रही हूँ। कितने दिन से कह रही हूँ कि इसे देखो। हाथ हटाओ, हिसाब देखो मैं कह रही हूँ। यस। भूमि पूजन से लेकर घर बनने तक का सारा हिसाब है इसमें। अब देखो ये वाला और वो वाला सारा मिलाकर 176,000। ए मेरी विलंकनी माता, लड़के के टूर पे जाते ही इतना सारा काम हो गया। अब खिड़की, दरवाजा, बेसमेंट, इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होगी ना। ओह, स्कॉच विस्की बोल बोल कर आज भी इनको मैं देसी दारू पिला कर आया हूँ। आज का कलेक्शन यहाँ पे है देखो। हाँ लो लो, ये भी लो। अब जरा कंधे पे सर रख के सोता हूँ। हटो ना, इतने पैसे से कुछ नहीं होगा समझे। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। इतना बहुत सारा पैसा चाहिए? उसके लिए तो फिर एक ही रास्ता है। क्या? देखो ये लोग तो ऑलरेडी टूर पर गए हुए हैं, अभी इन लोगों के टूर से वापस आने तक इस घर को फर्स्ट क्लास सजा कर फर्स्ट नाइट, सेकंड नाइट, थर्ड नाइट, फोर्थ नाइट, फिफ्थ नाइट सब मना लेंगे। अरे मेरी जान, उसके बाद तो हम भी कहीं टूर पे जाते हैं। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है मैच को। कैसे झेल? अरे नहीं नहीं, पैदल चलते ना, चलो मैच को मुझे नहीं, जल्दी चलते। हे भगवान, कल क्या भूकंप आ गया था क्या? चलो चलकर देखते ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो जाकर देखते हैं। हेलो, आपसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा क्या हुआ, पांचों मिलकर संन्यास लेने वाले हैं क्या? ओ तुम लोग हो क्या? अरे एग्जाम्स करीब आ रही है ना, इसलिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। और हम लोगों ने बहुत हंसी मजाक करके समय बर्बाद कर दिया, वो गलत है हमें लगा। अब यहाँ से जाओ तुम। अरे अचानक एक ही दिन में ये सब कुछ कैसे पता चला? इस तरह की बातें करके हमारी पढ़ाई को बर्बाद मत करो, तुम तो अपने हिस्से की पढ़ाई करके आ रही हो ना। एग्जाम में फेल हो गए तो सब कुछ वेस्ट हो जाएगा, एटलीस्ट पेरेंट्स की फीलिंग तो समझना चाहिए ना। कल क्या हुआ था? प्रिंसिपल ने पेरेंट्स को बुलाकर कंप्लेंट की, गोविंद के पापा ने आकर बहुत गुस्सा किया। अभी सब समझ में आ रहा है, पापा के आकर धमकी देते ही देखा ना बच्चे सब लोग सुधर गए, यही तो बात है। इन लोगों को बहुत डांट पड़ी होगी, ये कंफर्म है। कितनी हिम्मत थी इन लोगों में, ये लोग क्या बोल रहे थे? हाँ बस इतना ही था, हिम्मत वालों की कहानी तो पूरी हो गई। फिर भी इन लोगों की हालत देखकर कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। डिपेंड होने के लिए कोई है ये सुनकर मैं खुश हो गई थी, सब कुछ बर्बाद हो गया। आज से अपनी लड़ाई झगड़ा सब खत्म, कल से हर रोज खेलेंगे। चीयर्स। ठीक है ठीक है। क्या होने वाला है इसका? मैं फिर से हार गया, ये गेम यहीं खत्म कर दो। खत्म करना है? खेल में ऐसा नहीं होता है, कुछ समय हम हारते हैं, कुछ समय हम जीतते हैं। ठीक है, पैसे कुछ चाहिए क्या? ये लो पकड़ो। अरे उसके लिए एटीएम कार्ड है ना, ये देखो। हाँ डालो डालो, तुम डालो पैसे। शाबाश शाबाश, और डालो। ए यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। ए चल
बड़े घर के लड़के होकर तुम लोग सर रात होते ही शराब पीते ऐसे पढ़ाई करते हो क्या? सर चलो मेरी बात तो सुनो सर, चलो सब लोग सर हमें वैसे अरे सर मैं क्या कह रहा था, मैं तो बैठा था। बात तो सुनो सर, आप बात तो सुनो ना सर, इससे अपना चेहरा छुपा कर ही जाता हूँ। इसलिए हम जैसे पेरेंट्स की फीलिंग्स को आप समझ लीजिए, इसके बाद मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा। मिस्टर भार्गव, आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है, इस तरह चलता रहा ना तो पांच फादर्स को सोसाइटी को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैंने अच्छे से तहकीकात की है। वहाँ पे सुरक्षा के नाम पे बहुत सारे गंदे काम किए जाते हैं, सच कह रहा हूँ। लेकर गैम्बलिंग, ड्रग्स, इवन कॉल गर्ल्स, आपका पैसा और पद उन्हें बचाएगा ऐसा सोचते हैं वो लोग, इसीलिए वो लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। मर जा तू, तुझे मार कर बाहर फेंक दूंगा मैं। कहीं उठा के रास्ते में मत फेंकिएगा, चील कौवे गिद्ध उठा के खा लेंगे। मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात तो सुनो मालिक। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतने दिनों से झूठ बोलकर तुमने बेवकूफ बनाया, शराब पीना सिखाया, पत्ते खेलना सिखाया और लड़कियों का नशा चढ़ाकर उन्हें बिगाड़ रहे हो। हा? मैंने जानबूझकर कोई गलती नहीं की मालिक, मुझे और मत मारिए। 5 लाख का हिसाब कहाँ है कुत्ते? तेरे शादी में दहेज में आया हुआ पैसा है क्या? हम लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाया हुआ पैसा कहाँ है? दोनों हाथों को पीछे बांधकर आप हिसाब मांग रहे हैं, मैं कैसे हिसाब दे सकता हूँ मालिक? हिसाब है तेरे पास? हाँ है ना मालिक, हिसाब है। ए, रस्सी खोल, चल खोलो। जल्दी खोल, चल फटाफट। हाँ जल्दी मुझे, चल खोल खोल। देखो मालिक, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिए थे। दिखा बाकी पैसे, वे पैसे लाया क्या? बोल रहे हैं 40 पैसे। ये क्या है? अरे लक्ष्मी है, इसे कहाँ पैर लगा रहे हो? मैं रख लेता हूँ। यहाँ लड़कियाँ आती हैं क्या? बोल जल्दी। हाँ आती है ना। नहीं नहीं नहीं, अकेली आती है मालिक, किसी मर्द को साथ में लेके नहीं आती। हाँ वो सब लोग, हाँ इधर ही है, मुझे नहीं मालूम कहाँ है। साथ में पढ़ने वाली लड़कियाँ करके कहते हैं। क्यों आती है यहाँ पर? कंबाइंड स्टडी करने के लिए सर। वो लोग यहाँ आती है, रूम को अंदर से लॉक कर देती है, फिर 3-4 घंटे तक कोई आवाज नहीं आती। फिर कुछ आवाज आती है तो मैं जाके दरवाजा खटखटाता हूँ। कितनी बार आई होंगी? 5-6 बार तो आई होंगी। मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो उनको डिस्टर्ब होगा, ये सोच के मैंने नहीं खटखटाया। दिया हुआ पैसा कैसे खर्च हुआ? वो कॉलेज की फीस दी है ना, और राशन के लिए भी पैसे दिए है, और भी बाकी यहाँ वहाँ के खर्चे। अरे 5 लाख रुपए में से कुछ तो रहना चाहिए। अब बिल्कुल रहना चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपको पैसे दिए ना, 2 रुपए 45 पैसे इंडियन मनी, आपने इतना? तो देखा। उसमें 5 पैसे कम है, वो मैं कल ला कर देता हूँ। मालिक आपको एक बात पता है क्या? कभी कभी माधव कहता है कि गोविंद के अकाउंट से 1000 रुपया निकालो, फिर कभी उसका मन करेगा तो वो बोलेगा अजमल के अकाउंट से 1000 रुपया निकालो। वाट तो मेरी लगती है, नहीं निकाला तो ये भी मारता है और वो भी मारता है। दोनों के मार से बचने के लिए मैं दोनों अकाउंट से पैसे निकाल लेता हूँ। काम कोई भी हो, हमें उसे ईमानदारी से करना चाहिए ना। और तो और मैं इतना ईमानदार हूँ कि आपके दिए हुए पैसे के अलावा और भी पैसे निकाल लेता हूँ। बहुत ईमानदार हूँ। बस हो गया, मुझे सब समझ में आ गया। आज के बाद से यहाँ आने की जरूरत नहीं, अभी जगह खाली करो, समझ गए? उतरो, आ जाओ, उतरो सब लोग। ये उतर, उतर रे, उतर, उतरो, उतरो, उतरो। तुम लोगों को पेशाब लगी है इसलिए गाड़ी नहीं रोकी है, बैग लेकर नीचे उतरो, चलो जल्दी जल्दी करो। हाँ जल्दी निकलो, चल अंदर नहीं है। हे विश्वासघात करना ये सबसे बड़ा पाप होता है, भले बाप के साथ करो या किसी के साथ करो। हम लोगों को धोखा देने वालों को आज से हमारी तरफ से कुछ नहीं मिलेगा। आज से तुम लोग अपने अपने रास्ते जाओ। आप लोग जियो मरो या खुदकुशी कर लो। पापा या माँ को देखने के लिए घर की तरफ बिल्कुल मत आना। पापा कुछ मत बोलो, गाड़ी में बैठो सब लोग, चलो। पापा पापा मेरी बात तो सुनिए। पापा, पापा सुनो ना पापा। इस तरह होगा ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं यार? पापा की बात से पता नहीं चल रहा था क्या? बहुत गुस्सा नहीं हुआ तो है, पर मुझे भी जिद करनी आती है। भले कुछ भी हो जाए, अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं तो हमें भी उनकी जरूरत नहीं, लेकिन अभी हम क्या करेंगे? अरे जिंदगी में कोई रुकावट आती है तो थ्रिल मिलता है। अरे हमें किसी की जरूरत नहीं है, अपना रास्ता हम तय करेंगे, चलो चलो।
आइए 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 बैठिए, कोयम्बट की गाड़ी यहाँ पर है, कोयम्बट की गाड़ी यहाँ पर है, आइए आइए। पत्ता गोभी, फूल गोभी, बीट, कैरेट, हाँ हाँ, आइए आइए आइए, यहाँ पर है, यहाँ पर आइए, आ जाइए आ जाइए, आइए आइए, सस्ता एकदम, आइए आइए भाई साहब। हाँ रे, बिना मेरे पैसे भरे चोरी से भाग रहे हो? भाई, भाई प्लीज भाई, नहीं मास्टर। गुरुजी, 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 गुरुजी सुन रहे हैं क्या? अपने मार्केट में लड़ाई हो रही है। क्या हुआ है? अरे बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है, आप कैसे भी आकर उन्हें बचाइए। हाँ ठीक है, तू जा, मैं आता हूँ। मेरे आदमी के ऊपर हाथ उठा रहा है तेरी तो। सर सर सर, हमने कुछ नहीं किया सर, सर लड़ाई इन लोगों ने करी थी, इनको बुलाइए सर, सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर, सर सर हमने कुछ नहीं किया सर, सर हमारी बात सुनिए सर, सर सर जाओ। मैं जो पूछ रही हूँ वो बताइए, बच्चे लोग कहाँ चले गए, कुछ तो मुझे बताइए। इतना कहने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आता? आप जो बोल रहे हैं मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा जी, इस उम्र में बच्चे ऐसे ही रहते हैं, आप तो बेवजह उन्हें सपोर्ट मत करो। मैं अपने फैसले में कोई बदलाव नहीं करूंगा। आपका गुस्सा जायज है लेकिन आप बस हो गया, अब इसके ऊपर मुझे कोई बात नहीं करनी, बिना बच्चों के भी माँ बाप होते हैं।
झूठ बोलकर बेवकूफ मत बनाओ हमें। तुम उन लड़कों के रूम में बार बार जाती हो ना, सब पता है मुझको, समझ गई ना जी? सही कह रहा हूँ ना मैं? लड़के अपने बाप के सामने सब कबूल चुके हैं। भार्गव ने फोन करके बताया तुम लोगों को जान से मार दूंगा। क्यों बैठी हो वहाँ पर? वो लोग बोल रहे सब झूठ है। मैं कह रहा हूँ बताओ क्यों गई थी? कॉलेज और घर के अलावा हम लोग कहीं भी किसी के घर नहीं गए थे। वो लोग कहाँ पर रहते ये भी हम लोगों को पता नहीं है। हम लोग भी साथ में ही आते हैं, हम सीधा उनसे ही पूछ कर देखते हैं। बोल रहे हैं वो अगर झूठ लगे तो आप लोग हमें मार दीजिए। हम कसम खाकर कह रहे हैं हम लोगों को कुछ नहीं पता। मुझे लगता है ये बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। सर हाय, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? इधर तो तुम आते ही नहीं हो। वो हम लोगों ने साथ में मिलकर एक बिजनेस करने का आइडिया निकाला है, वही ना? अच्छा, यहाँ का MD कैसा है? कुछ खास बात है क्या? नहीं, कुछ बात डिस्कस करनी थी। वो अंदर ही है, जाओ तुम। ठीक है, थैंक यू। हेलो। अरे ये तो कुदाम्बरम जैसा लग रहा है। अरे कुदाम्बरम नहीं, पीताम्बरम हूँ मैं। IQ टैबलेट, कूलिंग ग्लास, केयर फ्री, सब कुछ छोड़ दिया है मैंने। वो सब तो ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी मैं इसे रिपेयर करता हूँ, ये जो है इसे रिपेयर करता हूँ, देख रहे हैं? यानी पढ़ाई करने के बाद भी फ्रॉड करने का काम सीख लिया क्या? फ्रॉड नहीं है, मोबाइल का धंधा है, वो बंद कर दिया। फिर मेरे पास जो बिका नहीं था वो सारी दवाई मैंने खुद खा ली, तो मेरा दिमाग बहुत तेजी से दौड़ने लगा। और फिर क्या हो गया, कंप्यूटर फास्ट मेरा। वो रहने दो, आप यहाँ किस लिए आए थे? MD से मिलने आए हैं। क्या क्या क्या? MD से मिलने आए हैं, बोला तो हूँ। ओ, बिजनेस बिजनेस। ओके। चलने दो चलने दो। ओके। आज के कार को मैं भेजाऊँ। ओके राइट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। कोई बात नहीं सर, हम लोग खड़े ही ठीक है। सर हम लोग नौकरी ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। नौकरी के लिए? मैंने तो कोई ऐसी ऐड नहीं दी। वो नहीं सर, कुरियर बिजनेस है तो आदमियों की जरूरत पड़ती होगी ना। मुझे जितनी जरूरत थी वो स्टाफ मेरे पास हैं। अचानक मौका मिला तो। आई एम सॉरी, अभी मैं ज्यादा बात नहीं कर सकता, मुझे बहुत काम है। सर चल चलते हैं। हाँ चलो। अरे गोविंद, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? हम लोग सर, ये लोग हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं। तो क्या आने जाने वाले सभी को नौकरी दे दूं मैं? आता हूँ। ठीक है यार, बाय। मास्टर, क्या बात है? नहीं, हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो। जानता हूँ यहाँ बेवजह कोई नहीं आता है। मार्कोस ने जो तुम्हें दिया वो नकली था। देखो, अगर थोड़ा सेल्फ डिफेंस सीख जाओगे ना तो तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, समझ गए ना? लेकिन मैं यहाँ पे किसी को मारना, हाथ पैर तोड़ना, कत्ल करना ये सब नहीं सिखाता हूँ, समझ गए? सेल्फ डिफेंस सीखना मानसिक तौर से और शारीरिक तौर से एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, यही मैं सारे युवाओं से कहता हूँ। हमें गलत मत समझिए, हम लोग तो नौकरी के लिए बस। तुम लोग काम करना चाहते हो बस इतना ही ना, लेकिन तुम लोगों को नौकरी दे सकूं ऐसा कोई काम नहीं है। रुक जाओ। खाना अच्छा था ना? एक बार और कोशिश करके देखते हैं, उन लड़कों को बुलाऊं क्या? अरे मैं ऐसे मजाक कर रहा था, तुम लोग उस बात को भूल ही जाओ। तुम लोगों की जिंदगी की तरह मेरी जिंदगी में भी बहुत सी तकलीफें थी। शरीर से मजबूत था इसलिए सोचता था कि सारा काम कर लूंगा। अपने ताकत की वजह से कई सारे मासूम लोगों को मारा। एक अमीर के लिए मैंने बीच रास्ते में बहुत बुरी तरह से मारा था। उसके बाद उस युवक ने मेरे घर के सामने आके खुदकुशी कर ली थी। उस घटना ने मेरे दिल को बुरी तरह से झकझोर दिया था। उसके बाद से मैंने ये सब काम छोड़ दिया। उस लड़के की दीदी यहाँ जो खड़ी है ना, मेरी बीवी है।
तुम्हारे पापा लोगों के पास पैसा और पावर है, इस घमंड की वजह से ही आप लोग ये सब कर रहे हो। मास्टर, अगर सच को तो हम क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच में आज बहुत फील हो रहा है सर। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को अपनी गलती का एहसास है। बिना माँ बाप के मदद के अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए अगर सोचोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मास्टर, हमारी हालत आपको पता है, हम लोग कितनी भी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। मेरा एक फ्रेंड है, उसका एक बंगला यहाँ खाली पड़ा हुआ है और वो अमेरिका में रहता है। आप उसे गेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे जरूरत के पैसे तुम्हें उससे मिल जाएंगे। क्या कहते हो तुम लोग? हम लोग कर लेंगे मास्टर। भैया वो लोग आ रहे हैं भाई। ये इधर ला। क्या क्या करने वाले हो भाई, बताओ ना क्या कर रहे हो। इधर इधर। हाँ बैठ जाओ, सो जा जल्दी। अल्लाह अल्लाह के नाम पे दे दो बाबा। अरे 10 पैसा तो दे दर। क्या हुआ? कहा था ना कोई भीख भी नहीं देगा। अभी देख। ए भगवान दो ना कुछ। अरे बहना, अरे ओ दो दीदी, ये आधा गुंगा है दीदी, मुझे 5 रुपए तो दीजिए ना। 5 रुपए ही चाहिए क्या? नहीं नहीं, 4 रुपए भी चल जाएगा। कैसे लोग हैं? देखा ना, पैसे मिले ना। अरे भीख मांगना भी बहुत बड़ी कला होती है, समझे? ठीक है। ए, अल्लाह अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। मालिक कुछ लेकर जाइए। मालिक केला तो देखो सही है, पानी पीकर भी एक हफ्ता हो गया है। मालिक कुछ तो दीजिए, बहुत भूख लगी है। मालिक इसे भूखा रहे तो कई साल हो गए। मालिक बहुत सालों से बिरयानी नहीं खाई। मालिक मेहनत करके पैसा कमा के खाओ, भूख अपने आप मिट जाएगी। हे छोड़ो इसे, छोड़ो। अरे ये तो देखकर जाइए, हमारी हालत है उसकी वजह तुम लोग हो। मार लो मालिक, जितना चाहिए आप मार लो। चाहिए तो कल भी मार लो मालिक। ए तुझसे पूछा क्या किसी ने? आप जो चाहे सजा दे दो, पर मुझे माफ कर दो मालिक। ए मुंह बंद कर, हम लोग माफ कर दे तुझे? हम लोगों की पूरी जिंदगी बर्बाद करके हमसे माफी मांग रहा है, अभी क्या चाहिए तुझे? भाई भूखा रहकर मुंह पंक्चर हो गया है, ऐसा ही चलता रहा ना तो भूख से आधी जान चली जाएगी, ये तो इतना कन्फर्म ही है। पत्ता खेलना, झूठ बोलना, लड़कियों को सप्लाई, बहुत सारा काम आता है ना तुझे। एक छूट गया है, शराब पीता ना। ये तो तुझे अच्छे से आता है, ये सारी चीजें किसी और को सिखा और पैसा कमा। अरे भाई लोग, पैर पकड़ने के बाद भी माफ नहीं करोगे, ये तो गलत ही है ना। हमको माफ कर दो भाई, गलती हो गई। स्टार होटल शुरू करने का हम लोगों का प्लान है। हाँ दे सकते हैं, लेकिन एक भी गलती अब तुमसे दोबारा हुई तो उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगा, समझा? क्या समझा? बाहर निकल जाओगे? हम लोग नहीं, तू बाहर जाएगा, समझा? ए ये जो बोल रहे हैं वो तुझे समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। क्या समझ में आया? गलती हुई तो बाहर बताएंगे। ए नहीं नहीं नहीं, केला मेरे पास दे, वरना रास्ते में खाते खाते सब खत्म कर देगा तू। मेन चीज ले ली। हाथ से धकेल कर खुलने वाला दरवाजा है, बिना हाथ लगाए खुल गया, ये कहावत है। ऐसा नहीं भी रहेगा तो मैं खुद खोल दूंगा। मालिक वसु मालिक। कौन है? मैं हूँ अली भाई। अरे अली भाई, क्या अली सुबह सुबह इस तरफ आ गया? खर्चे से अच्छी बात यह होती है कि पैसे आ जाना। हम लोगों ने पहले ही तुझे लिस्ट से बाहर कर दिया है, हाथी के दांत के मामले में उस केस पर। अल्लाह देखा देखा, किसी भी हाथी के मुंह में दांत आएगा तो इस अली भाई को ही प्रॉब्लम होती है। अरे उस दिन तेरी पिटाई हुई थी, उसका निशान है क्या? वो सब तो बस एक बिजनेस है ना, ऐसा तो होते रहता है, लेकिन मुझे जो जरूरत था वो पैसा मिल गया, उस बात से मैं खुश हूँ। ये बिल्कुल सही कह रहा है तू, लात मुफ्त में। अरे लात मारकर पैसा मिले या कैसे भी मिले, पैसा मिलने से मतलब है। मुबारक। और मैं ना यहाँ पे आया हूँ यहाँ की लड़कियों को देखने के लिए। उन्हें चाहिए होता है ना सोप, कंघी, आईना, नेल पॉलिश, पुट्टी, पट्टी। देखो मेरे पास बहुत काम है, मैं काफी बिजी इंसान हूँ, इस महीने में और कोई डेट ही नहीं है मेरे पास। सब लोग कॉलेज जाने के लिए रेडी हैं, तू यहाँ खड़े रहे। नहीं तू जा जा जाओ। जरा जल्दी रेडी हो ना रीना, कॉलेज के लिए टाइम हो गया है। हाँ ये अली भाई भी रेडी है। हाँ? क्या अली भाई, आप हम लोगों को भूल गए क्या? मैं आपको भूल गया इसका मतलब मैं मर गया समझ लो। अच्छा वैसे तुम्हारा एग्जाम तो खत्म हो गया ना, फिर पढ़ क्या रहे हो तुम लोग? हमारा तो और एक एग्जाम भी है, उसमें पास होंगे तभी नौकरी मिलेगी। ऐसा क्या, वो क्या होता है? और इसका मतलब अब तक तुम लोग ने जो पढ़ा उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ? वो सब काफी नहीं है भाई, और 3 महीना पढ़ाई करनी है। यहाँ पर रहेंगे तो कोई ना कोई बुलाता रहेगा, एग्जाम तक चैन से पढ़ाई करने के लिए शांत जगह चाहिए भाई। सिर्फ इतना ही नहीं भाई, हमारे साथ नए लोग भी हैं, पढ़ाई करने में बहुत तेज है। रजिया
यही तो बात है, अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो अल्लाह उसे पूरी करने में मदद करता है। तुम्हें पता है मैंने कल ही अखबार में एक एड देखा था, मेरी जानकारी में एक अमेरिकन बंगला है जिसको हॉस्टल बना दिया गया है, यही पास में ही है। मतलब आप हम लोगों के लिए एक बार पूछताछ करके आओगे क्या? ठीक है, मैं तुमको पहले ही बता देता हूँ, यहाँ पर जो रहने वाले हैं वो कोई साधारण पार्टी नहीं है, ये वो लोग हैं जो ऐसे ही बड़े बड़े होटलों में रहते हैं। उसके लिए करना क्या है आप सिर्फ बताइए, हम लोग कर लेंगे क्या रे? हाँ सही कहा, तुम सब लोग एकदम सही से कवर करोगे ये तो मुझे पता ही है। वो कितने लोग रहेंगे? कुछ 4 से 5 लोग होंगे। उनके पास कार है, बंगला है, हाथी है, घोड़े हैं, ऐसे लोग हैं, समझ रहे हो ना? ये जो लड़के लोग हैं 50,000 रुपया महीने का कमा लेते हैं, उन लोगों को किसी भी चीज की कमी ना हो ये तुम देख लेना। हाँ, हाँ, जरूर, जरूर। खाना जो है वो एकदम टेस्टी होना चाहिए। हाँ। क्या क्या चाहिए वो आते जाते वक्त देखते रहना, टाइम टाइम पर खाना देना और कपड़े वगैरह सब इस्त्री करके देना, किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए, इतना अगर तुम कर लोगे तो काफी है। वो लोग यहाँ आएंगे तो एडवांस वगैरह देंगे ना? नहीं। वो क्यों? ये देखो, वो क्यों? उन लोगों को ये जगह पसंद आने में थोड़ा तो टाइम लग सकता है ना? 3 महीने के पैसे वो लोग एक साथ में देंगे। बेटा बैठ जा। देखो जल्दबाजी मत करो, पैसा पैसा बोल के अपना पूरा काम ना बिगड़ जाए कहीं। अगर उन लोगों को ये जगह पसंद आ गई ना तो आप जितना बोलोगे उससे ज्यादा ही देंगे, उनके बाप लोग काफी अमीर लोग है, समझे? और सुनो, तुम लोगों के विश्वास के लिए 3 महीने की गारंटी वाला चेक मैंने ले लिया है, समझे क्या? हाँ, अगर आप गारंटी बोल रहे हैं तो हम लोग को विश्वास है। और एक बात सुन लो, लड़कियाँ देखने में काफी खूबसूरत है, तो जब तुम लोग उनके साथ में रहोगे तो बर्ताव अच्छा रहेगा। क्यों? हाँ तो वो क्या है ना, उनके पीछे पीछे घूमने की, उनको लाइन मारने की कोशिश मत करना। वो क्या है ना, उसके पिता को ये सब अच्छा नहीं लगता है, ऐसा कोई भी कंप्लेंट ना आए इसके लिए मैंने 3 महीने के पैसे मैंने साथ में देने को बोला है। क्या कहा, समझा ना? समझ गया। हाँ अभी और एक बात सुन लो, कल अगर तुम्हारे साथ कोई मारपीट हो गई तो अली भाई ने बोला नहीं था ऐसा नहीं बोलना। अच्छा वो सब ठीक है, पर यहाँ खाने पीने का मामला कौन देखता है? और उसके लिए एक चीफ कुक और 2 असिस्टेंट हैं। Yes, boss. यही हमारा चीफ कुक है। प्रेशन थिएटर से बाहर आए ऐसा ये लोग आए। भाई ये इन लोगों का यूनिफॉर्म है। ओह। इनका नाम है पत्रोस, एकदम कमाल का खाना बनाता है। पत्रोस खाना बनाने वाला है ऐसा करके बोलना चाहिए ना? हाँ नमस्ते, जरूर। ये सब लोग उनके असिस्टेंट है। हेलो। लड़कियाँ यहाँ रहने वाली है ना तो इतनी सारी सिक्योरिटी है। बहुत अच्छी बात है। हाँ। मुझे तो बहुत ही पसंद आया, उन लड़कियों को भी जरूर पसंद आएगा। मैं मार्कोस हूँ सर, इनका अगला मैनेजर मैं ही हूँ सर। अल्लाह ये क्या बैंक है क्या? क्या रे मार्कोस, तू जाकर चिकन कटिंग कर या फिर बर्तन लेके। यस बॉस। चल जा निकल चल। हाँ ये देखो गया। मिस्टर पत्रोस उस नए डिश को प्रिपेयर कर दिया ना? वो डिश तो माले के ऊपर है। वो डिश नहीं, खाना खाने का डिश। मेरा खाना चल गया होगा, मैं जल्दी से जा रही हूँ। जाओ जाओ। हाँ जा रही हूँ। तुम लोगों का ये घर मुझे काफी पसंद है। ये घर नहीं है भाई, गेस्ट हाउस है। हाँ ये लो उनका चेक ले लो। इस तरह से बड़े बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में आदमियों को भर्ती करने वाला मैं ही हूँ। इस तरह से आदमियों को पटाने में, उनको लेकर आने में थोड़ा खर्चा होता है भाई, अगर आपके हिसाब से कुछ दे दोगे तो अच्छा होगा। ये रख लीजिए आप। ये तो जरा कम है। थैंक यू। अच्छा सुनो, लड़कियाँ कल तक आ जाएंगी। हाँ ए, चलो चलो चलो। yes, चलो, चलो, चलो चलो चलो। हाय हाय, कैसे झेलती हो मुझे पता नहीं। ये लोग यहाँ पर कैसे आए? हेलो, एक मिनट रुको। हे लीव इट हियर। अच्छा है, एकदम सुपर सेटअप। कब शुरू किया ये धंधा? हाँ वो क्या है, एक बहुत बड़ा स्टार होटल शुरू करने का हम लोगों का प्लान है। ये सब एक प्रैक्टिस के लिए है ना? आई सी। घर से बाहर निकाल दिया था, हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बेडरूम कहाँ पर है? हाँ वो ऊपर है। मिस्टर गाड़ी में जो लगेज रखा है ना उसे लेकर आओ। जल्दी लेकर आओ। यहाँ कर्टन्स क्यों नहीं लगाए हैं? हाँ हाँ अरेंज कर। बेड का पोजीशन बदलना होगा।
हाँ अरेंज कर देंगे। फिर तुम लोग यहाँ खड़े तमाशा क्या देख रहे हो? कंट्री फेलोज। बिल खाने का मामला सब कैसा? मेन्यू लेकर आओ। आपको जो पसंद आएगा उसी तरह का मेन्यू प्रिपेयर कर देंगे। चीफ कुक को यहाँ आने के लिए बोलता हूँ। क्या यहाँ पर कोई फिक्स मेन्यू नहीं है क्या? अच्छा यहाँ पर कोई चाइनीज कॉन्टिनेंटल नहीं है क्या? आपको जो चाहिए बोलिए, हम सब प्रिपेयर करके दे देंगे। पत्रोज भाई, अपने गेस्ट को क्या चाहिए उनसे पूछ कर बनाओ। थोड़ा जल्दी बनाइए। हाँ ए मार्कोस। ये लो। मैं जरा उन खूबसूरत लड़कियों के पास जाता हूँ और लिस्ट लेकर आता हूँ। मैं भी आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ रह के अपना काम। ठीक है, दूसरे राउंड में जाऊंगा। मुंह बंद रखना वरना मुंह में मक्खी चली जाएगी। छी, ये सब बहुत ही ओवर है यार। इज्जत का कचरा हो गया। ये कान के नीचे खींच के दूंगा तुझे। ये जरा धीरे बात कर। वो जो कुछ भी हो यार, अब हमें खाना खाने के लिए, रहने के लिए और सोने के लिए एक अच्छी जगह मिली है, वो सोचो ना प्लीज। तो अब क्या करना है? एक प्लान किया तो उसे सही ढंग से करना सीख लो, समझ गए ना? ये देखो, लिख लिख कर पूरा पेपर ही खत्म हो गया। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इतने सारे आइटम है, अब क्या बताऊं? ए मेरी वेलंकनी माता जी, खाने के लिए इतना खर्चा, तुम समझ रहे हो कितना खर्चा करना पड़ रहा है? वो तो ठीक है, वरना अपने पास तो काम ही नहीं बचेगा यहाँ। देख के नहीं चल सकता क्या? सॉरी। ये लो, चक्के देखो, नमक तो सही है ना? अरे वाह, बहुत अच्छा है। भगवान जी आपको धन्यवाद। खाना बनाने वाला मैं हूँ और तुम तारीफ भगवान की करो। तुम्हें तो मैं रुको। हे इज इनफ, मुझे ये नहीं चाहिए। प्लेट चेंज करके दूसरा प्लेट लेकर आओ। ठीक है मैडम। हर एक आइटम सर्व करने से पहले पूछना चाहिए। ओके मैडम, आज के बाद ऐसा ही करूंगा। तू, ये कैसा खाना है? वो क्या है? तुम लोगों ने जो डिश प्रिपेयर किया है वो तुम्हें पता नहीं है क्या? वो अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए एक्सपीरियंस थोड़ा कम है। बड़ा एक्सपीरियंस का प्रॉब्लम है। हाँ ये गरम किया हुआ मिनरल वाटर कहाँ पर है? एक मिनट मैडम, मैं अभी गरम करके लेके आता हूँ। खाना इतना भी टेस्टी नहीं बना है, और अच्छा ट्राई करो। हम बेस्ट बनाने का ट्राई करेंगे मैडम। आपको कहीं और ट्रेनिंग लेने के बाद ये शुरू करना चाहिए था ना? ये सब अचानक करना पड़ा इसलिए। हम लोगों ने कैश पे किया है, अभी ठीक कर देंगे। ये सब बोलना तुम लोगों को अच्छा लगता है क्या? इस तरह का घटिया खाना खाएंगे हम लोग? हटो। मैडम 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 चल हट। क्या हुआ रे? ए, क्या हुआ? गोपिका, पानी। तुम्हें थोड़ा भी मैनर्स नहीं है क्या? रूम के अंदर आने से पहले दरवाजा नॉक करना चाहिए ना? नहीं मैडम, पानी चाहिए बोला था ना इसलिए। इट्स ओके, डोंट रिपीट इट। सॉरी मैडम, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा। यहाँ एक टैब ब्लॉक हो गया है, इसे रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ रिपेयर करवा दूंगा मैडम। एग्जॉस्ट फैन नहीं है क्या? एग्जॉस्ट फैन चाहिए मैडम। लगवा देता हूँ मैडम। थोड़ा साइड देगा क्या? डर्टी फेलोज, पूरे रूम में धूल है। कितने दिन हो गए ये डालकर? नया सीट नहीं है क्या? गौरी प्लीज, हमारी हालत भी थोड़ी समझो।
हम लोग अभी वीकनेस ही हैं। आपके चॉइस के हिसाब से हम लोग कर देते। छोटी छोटी बातों के लिए प्रॉब्लम मत खड़ा करो। हम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, है या नहीं? सी मिस्टर, हम कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, तो उस रिलेशनशिप को यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं। आपके पैसे आपको मिल रहे हैं ना, तो हम लोग डिमांड ही करेंगे। आपसे हम लोग कुछ मुफ्त में नहीं मांग रहे हैं, हमने आपको पे किया है मिस्टर। हम लोग कस्टमर्स है, तुम लोग सर्वेंट हो, बाकी कोई पर्सनल अपना रिश्ता नहीं है। हम लोग एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे काम करने वाले लोग हैं और यहाँ पर रहकर स्टेट जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम लोग बार बार इस तरह एक्सक्यूज बोलकर हम लोगों को बेवकूफ मत बनाओ। वो बेडशीट रिप्लेस कर दो, जल्दी चाहिए। क्या नसीब है यार। यस कम इन। गुड मॉर्निंग मैडम, चाय ले लीजिए। सुनो अभी टाइम क्या हुआ है? आज थोड़ा लेट हो गया। लेकर जाओ। चाय तो ले लीजिए प्लीज। ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? इस घर में कोई है कि नहीं? अभी आया मैम। कहाँ है? क्या हुआ मैडम, क्या चाहिए? क्या यहीं पे रखो और इसे बंद करो। अभी बंद करता हूँ। क्या? क्या नहीं, कुछ नहीं। जाकर अपना काम करो। अभी तक रेडी नहीं हुआ क्या? अभी रेडी हो जाएगा मैडम। इधर लाओ। ठीक से एक भी काम तुम लोग नहीं कर पाते हो क्या? सुनिए तो मैडम। हे भगवान, बहुत टॉर्चर कर लिया इन लोगों ने। अब वो सब लोग पूरी तरह बदल गई हैं यार। कितनी जल्दी पुरानी बातें सब भूल गईं। वो भूली नहीं है, वो नाटक कर रही है। उस दिन वो सब लोग हम लोगों से कितना क्लोज हो गई थी, याद है? हाँ यार, अगर वो सोचती तो हमारे साथ थोड़ा सोशल मूव कर सकती थी ना। बड़ी नौकरी मिलने के बाद अच्छे पोजीशन पे आते ही वो हमें भूल गए यार। बस हो गया ये सब, मैं ही उनसे जाकर बात करता हूँ। क्या बात करेगा जाकर? देख, अगर पैसे नहीं होंगे ना तो हम सबकी हालत ऐसी रहेगी। उन लोगों को जाना है तो जाने दे यार, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं ऐसे। ये देख, जो हो गया सो हो गया, थोड़े दिन शांति से रहने के लिए कह रहे हो? या तो वो नहीं या मैं। तुझे ही नहीं, हम लोगों को भी बहुत तकलीफ हो रही है। अगर हम लोगों ने कुछ किया तो वो लोग यहाँ से चली जाएंगी, तो फिर हमारी हालत का सोचा है तूने? ऐसा जाएगा तो कोई बात नहीं, उसके बाद अपनी हालत। ए गोविंद, वो लोग जो कर रही है उन्हें लेके अपसेट मत हो यार। अभी एक ही बात जरूरी है, मास्टर ने जो हमें कसम दी थी वो हमें भूलनी नहीं चाहिए। इसमें ना नमक है ना मसाला है, ये उन लड़कियों को देता हूँ, उनको काफी पसंद आएगा। इसमें ना नमक है ना ये तीखा है। हाँ, ये एक स्पेशल डिश है। अच्छा अच्छा, पहले बोलना चाहिए था ना। इस स्पेशल आइटम को दूध और शक्कर के साथ मिक्स करके खाना चाहिए। इस बार का रहने दो, नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा तब वैसा ही करके खाऊंगा। अरे तुम लोग कहाँ गए थे? सुबह सुबह मुर्गा पकड़ने गए थे क्या? तुम्हारे पूरे शरीर से पसीना बह रहा है। हम लोग डोले सोले बना रहे थे भाई। मैं अभी क्यों आया हूँ पता है क्या? कल से अपना एग्रीमेंट खत्म हो रहा है। चलो बताओ लड़कियाँ कैसी है, यहाँ की जगह उनको पसंद तो आई है ना? ये देखिए, अगर सच कहा जाए तो इतनी फास्ट और काबिल लड़कियाँ हमने कभी नहीं देखी। एकदम करेक्ट कहा। ये देखो, ये सब बड़े घराने की लड़कियाँ हैं, और जानबूझकर कुछ ऐसा करने का सोचो तो वो लोग ऐसा बर्ताव नहीं करते, वो उनका कल्चर ही है। आप लोग बहुत कष्ट में हो ये देखकर मैंने तुम्हारे लिए एक रास्ता निकाला और उन लड़कियों को यहाँ लेके आया। मतलब वो कल से घर चली जाएंगी ना? नहीं तो फिर क्यों जाएंगी? वो बहुत बड़ी नौकरी के लिए यहाँ पर परीक्षा देने के लिए आई है। और सुनो, कल उस चेक को बैंक में डालो और कैसे भी करके पैसे लेके आओ, सब कुछ एकदम अच्छी तरह से चलने दो। अली भाई, इस तरह के बेस्ट गेस्ट आज के बाद आप ही रेडी करके देना। ये सब तुमको अलग से बोलने की जरूरत है क्या? मेरा तो धंधा ही यही है। पैसा पैसा पैसा। ठीक है अली भाई, एकदम खुशी से जाओ करके मुझे भिजवाओ। अली भाई, अभी फिलहाल के लिए रख लीजिए, लेकिन आदत नहीं होनी चाहिए। हाँ। अब तो आदत हो गई है ना भाई। अच्छा चलता हूँ। क्या दीदी, सब कुछ रेडी हो गया क्या? मार्कोस कहाँ चला गया पत्रुस? वो आज का स्पेशल आइटम लेने के लिए गया है। वो क्या स्पेशल आइटम है? वो सुबह दी हुई लिस्ट में एक बॉक्स बियर लिखा हुआ था ना, वही है। हाँ, कल सिर्फ एक ही दिन बचा ना, तो आज एंजॉय करने के लिए प्रोग्राम बनाया। एंजॉय करने दो। हाँ, करने दो। तेरे बिना कैसे जीऊं,
तेरे बिना कैसे मरूं, तेरे बिना मुझे चैन नहीं आती, नींद नहीं आती, मैं क्या करूं, क्या करूं, तू ही तो है एक सहारा। हे सुन, इस तरह गाना गाने और रोने से कोई फायदा नहीं, ये सब ऊपर वाले की महिमा है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उनके बेटे बेटियां कोई कदर नहीं करते। हमने अपने बच्चों को पैदा किया, यही हमारी गलती है भाई। अगर मैं भगवान से मिलूंगा ना तो उनसे एक सवाल पूछूंगा, कोई किसी से बिछड़ना नहीं चाहिए, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल सही कहा, हमने उनकी सारी जरूरतों को पूरा किया। हम तीनों को उसके बदले क्या मिला बताओ? हमें अपनी जिंदगी अपने भरोसे ही जीनी पड़ेगी, कोई उम्मीद मत रखना। देखो हमारा कोई सहारा नहीं, हम तीनों एक दूसरे के सहारे हैं, और हम तीनों का सहारा ऊपर वाला है भगवान। अली भाई का भी कुछ पता नहीं। अली भाई गए होंगे हाथी का दांत उखाड़ने के लिए कहीं। अली भाई आए या ना आए, उन लड़कियों को हमें जाकर देखना ही पड़ेगा। जाकर देखना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ। अरे कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अरे 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 क्या हो रहा है? चलो तो कहाँ लेकर जा रही है? अरे अरे आओ, क्या कर रहे हैं? कम ऑन यार, चलो चलो। अरे बैठो ना, चलो सब लोग चलिए, बैठ जाइए। इधर देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आज की सर्विस हम लोगों की तरफ से। हेलो किचन कैप्टन, कम ऑन, आपकी सर्विस बहुत कमाल की थी, बस एक ही दिन की थी, इसका दुख है हम सबको। इसमें क्या है, और कुछ दिन रुक जाइए यहाँ पे। हाँ ये भी एक अच्छा आइडिया है। हा? कभी भी जाना ही मत यहाँ से। ये रहने दो, हमारे गेस्ट हाउस के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? अच्छी फैसिलिटी है, एक्सलेंट सर्विस, अच्छे से मैनेज किया है सब, रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है। ओके, चीज पकौड़े अगर खाने हैं तो जरूर बोल दीजिए। हाँ ये आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो जरूर जाकर हम लोग बोलेंगे। ऐसा क्या हो गया, गेट अभी तक खुला नहीं है। यार क्या हुआ, अब तक तेरा नशा नहीं उतरा क्या? चल उठ। हे तू भी उठकर चला रहे, हाँ आ जा, सोने देना यार। अरे आ जाना यार, क्या सच में। ए उठ जा उठ जा, ए चल उठ ना, उठो उठो उठ जा। हे तुम्हारे ऊपर कूदूंगा ना तो चट्टी बन जाओगे तुम लोग, चलो उठो जल्दी उठो, चलो चलो। इधर कोई नहीं है क्या, आज गाड़ी नहीं चाहिए क्या? अरे वो लोग शराब पीकर नशे में सो रही होंगी, सबको जगाओ यार, चलो पैसा लेना है ना उनसे। गोपू, गोपिका, गोपिका चलंगला, अरे वो लोग तो यहाँ नहीं है, बाथरूम में होंगी, पांच लोग एक साथ। ए तुम वहां चेक कर जाओ, ठीक है तू उधर देख। हे ये लोग कहीं नहीं है यार, अरे उनका सामान भी यहाँ नहीं है यार, भी नहीं है इनका। हाँ तो चल चल देखते। अरे क्या हुआ, उन लोगों को जाना नहीं है क्या? घर खाली करके चली गई वो। चली गई पर अपना हिसाब तो भी बाकी, पूरा हिसाब खत्म करके पैसा हम लोग देते हैं। डाल कर चेक दिया है, ठीक है मैं जाके रिपोर्ट करता हूँ। तू चेक लेकर आ, हम बैंक में जाकर देखते हैं। पैसा निकाल रहे, अभी तक पैसा नहीं मिला है।
अरे तू क्या मुझे पागल समझा है? अरे सर, अरे आज सुबह तू पैसा देने वाला था, निकाल। ए, एक दो रुपए की बात है क्या? इस तरह बातों में मत उलझाओ, पैसा निकालो तुम। एक दो रुपए है क्या? चल जल्दी से पैसा निकाल, निकाल। मैंने मछली लाकर तुम लोगों को उधार दिया, मुझसे लफड़ा मत करना, इज्जत से पैसे दे देना। ये बेवजह के काम मत किया करो, हम लोग बहुत खतरनाक आदमी है। ये देख भैंसे के काटने वाला चाकू है, इज्जत से पैसा निकाल वरना तुम लोगों के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ए देखो, इस तरह तमाशा देखना छोड़कर पैसा देने के बारे में सोचो। क्या करें यार, इसे उठाकर मारना चाहिए। अंदर जाकर घर का सामान उठाओ। चुपचाप हमारे पैसे लौटा दो। हाँ, पैसे दे, पैसे दिए बिना हम लोग जाने नहीं देंगे। पैसा दे दे। सुना कि नहीं? समझ गया। ए, कोई भी चिल्ला मत, आखिर प्रॉब्लम क्या है, मैं जान सकता हूँ क्या? उन लोगों ने जो चेक दिया है उस अकाउंट में पैसे नहीं, यही ना? हाँ मास्टर, वो हमें ऐसे धोखा देंगी हमें पता भी नहीं था। वो लड़कियाँ ऐसे बेवकूफ बनाने वाली नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। उन लड़कियों को लेके आने वाला कौन है? अली भाई, उनका घर कहाँ पे है तुमको पता है? मुझे पता है। ए अली भाई, तुम हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो क्या? हाँ, वो सारी लड़कियां पैसा लेकर हम लोगों को बेवकूफ बनाया तूने? कसम से तुम लोग जो कह रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपनी बात जरा साफ साफ कहिए ना। वो लड़कियां भाग गई, उनका दिया हुआ चेक भी बाउंस हो गया है। क्या, वो लोग कहाँ चले गए? झूठा चेक देकर सबको तूने बेवकूफ बनाया ना। ए देख, हमारी जिंदगी का मामला है, अगर तूने हम लोगों को बेवकूफ बनाने का सोचा तो छोड़ नहीं। अब आपने इनके साथ क्या किया? क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम, वो लड़कियां वहाँ से चली गई इसलिए ये लोग मुझे मार रहे हैं। जाओ जाकर उनके बाप से पैसा ले लो, जाओ। चलो वो लोग जहाँ रहते हैं वहीं पे हम जरा पूछताछ करके जाते हैं। तुम्हारी किसी सफाई की हमें जरूरत नहीं, चलो इसको लेके चलते हैं। ए रुको, तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो इन्हें? इज्जत से जगह दिखा, मुर्गा लो और जाकर सूप बना कर रखो, अगर मैं वापस लौट के आया तो साथ में पियेंगे। मुझे कोई ज्यादा नहीं मारना, छोड़ना नहीं, जरा संभाल कर उठाओ। क्या बात है, उन्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? उस लड़की के घर पे लेके जा रहे हैं, मुझे भी उन लोगों को पैसा देना बाकी है। ठीक है ठीक है, चलो चलो। भवानी, ए भवानी। अली भाई। भवानी, गोपिका और उसके फ्रेंड्स कहाँ है? हाँ? क्या बात है, बोलिए। तुम उन लड़कियों को बाहर निकालो, हम सबको उनसे बात करनी है। गोपिका, गौरी, जरा आप लोग इधर आइए। अभी आई, अभी आई माँ। यहाँ पर आओ। तुम लोग वहाँ से भागे क्यों? तुमने क्या किया है तुम्हें पता है? इन लोगों ने क्या किया अली भाई, आप तो बोलिए सर। इसका मतलब जानबूझकर ही तुम लोग हमें बेवकूफ बना रही थी। मेरी सच्चाई मैं बता देता हूँ, ये सारी लड़कियाँ गरीब ही है, काफी अच्छी तरह पढ़ाई करती है, इनके पास पैसों की कमी है इसीलिए इन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ती है, और यही बात मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए इन्हें अमीर घर में नौकरी पे लगाया। पढ़ाई के बीच के गैप में कहीं सोने की दुकान पे, कहीं कपड़े की दुकान पे काम करके ये तीन टाइम की रोटी कमाती है। लेकिन तुम तो इन्हें अमीर बोलकर हमारे घर लेकर आए। अगर मैं आपको बोलता ये लड़कियाँ गरीब है तो क्या आप इनको अपने घर में लेते? इसलिए मैंने झूठ बोला। ये सब कहानियाँ हमको मत सुनाओ, इनकी उधारी आप चुकाओगे क्या? ऐसा पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? हम लोग गरीब है, हम लोगों को माफ कर दीजिए। ए, माफ कर देने से उधारी चुक जाएगी क्या? इन लोगों को पैसा कौन देगा? हम लोग कुछ काम करके थोड़ा थोड़ा चुका देंगे। क्या थोड़ा थोड़ा दोगी क्या? नौकरी पे जाना है बोल के वहाँ से भाग गए तुम लोग? ये हमारी जिंदगी का मामला है, समझे तुम लोग? ये देखिए सर, ये लोग ऐसा करेंगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आप लोग देख रहे हैं ना हम लोगों की हालत कैसी अभी है? मैं क्या करूँ ये तुम लोग बताओ। सोचने की जरूरत नहीं है। ए गोविंद, बहुत सारे गेस्ट आएंगे हमारे, मैं तो कहता हूँ इन्हें ले चलते हैं और घर का काम करवाते हैं। हम लोगों के साथ चीट करके इस तरह रोकर बच नहीं पाओगे। अभी तुम लोग सब लोग निकलो, चलो। मेरे लड़कियों को जो भी सजा दोगे मुझे कोई तकलीफ नहीं, बाकी बच्चियों के माँ बाप सब नौकरी पर गए हैं, उनके आने के बाद। ये लड़के सारे अच्छे परिवार से आते हैं, इन सबको इनके साथ भेजो। अच्छे से पोछा लगाओ। ए, तूने काम करना बंद क्यों किया? बाकी काम तेरा बाप करेगा आके। अरे गोविंद, लड़कियों से इस तरह बात नहीं करते। गौरी, जोर से पोछा लगाएगी तो फर्श को दर्द नहीं होगा। अरे अच्छे से तेजी से काम कर, चल जल्दी कर।
इदर, ये देख इदर, कितना कचरा है वहाँ पर। चल साफ कर वो भी, चल जल्दी निकाल। यहाँ यहाँ अच्छे से पोछा लगा, चल जल्दी जल्दी काम कर चल। क्या रे घूर के देख रही है, एक लात मारूंगा खींच के, अच्छे से घिस के दो। हम लोग सुबह से काम कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करें क्या? चुप करो, अपनी मर्जी से काम करना है तो अपने घर पे जाना, यहाँ पे अच्छे से ही काम होना चाहिए। अच्छे से घिसो घिसो, प्लीज थोड़ी देर रेस्ट करने दीजिए। बकवास बंद कर, अपना काम कर। अच्छे से घिस इसको, अच्छे से घिस, पूरा साफ करना है। बहुत थकान महसूस हो रही है, थोड़ा रेस्ट करने नहीं, नहीं। ना। तुम लोगों को रेस्ट कब लेना है वो हम डिसाइड करेंगे, चलो काम करो चलो। अरे सुनो, गरम मिनरल वाटर चाहिए क्या? हेलो, ये ड्रेस और ये दीवार का कलर बिल्कुल मैच नहीं हो रहा, हम एक आइडिया करते हैं, ये सब तोड़ के गिरा देते हैं। अच्छा आइडिया है, बताओ बोलो तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम? यही तुम लोगों का बेडरूम है, उन लोगों को यही पर सुला देना, कोई तकलीफ होगी तो बोलना मत। हाँ, ये वो सुमित्रा बेड, वो कश्मीरी ब्लैंकेट इस फॉरनेस को दो यार, उन लोगों को अच्छी तरह से यहाँ पर ये लो तकिया, तुम लोगों के लिए सारा कुछ स्पेशल है। हाँ, सुबह बहुत सारे काम करने, इसलिए जल्दी से सो जाओ। और एक जरूरी बात, अगर यहाँ से कोई भागने का विचार है ना तो वो तुम लोग भूल जाना, क्योंकि तुम लोगों ने जो खाना खाया ना उसका पैसा तो हम लोग लेंगे ना, क्यों भाई? हाँ, उनके गुंडे लोग आप लोगों के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी बनकर रहेंगे, इसलिए कोई भी तकलीफ उठाकर जाकर फंसना मत। ओके, तो अब आराम से सो जाओ, स्वीट ड्रीम्स, गुड नाइट। ए भूतनी लोग, उठ जा जल्दी। ए भैंस की तरह सो रहे हो, उठो जल्दी बाहर आओ। क्या है, क्या है पूछ रही है? बंगले में मेहमान बन के आई हो क्या? चल जल्दी से उठ जा। आधे घंटे में तैयार नहीं हुई ना तो मुंह पे गरम पानी डाल दूंगा। हाँ चलो चलो जल्दी करो। क्या है रेजे? लड़कियों के लिए कॉफी। कॉफी उन लोगों के लिए, चले मुझे दे। ये देखो, मैं आपको एक बात बोलूं क्या, उन लोगों ने आपको धोखा दिया, ये तो बात सच है, गलती से हुआ होगा, इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें सजा देना अच्छा नहीं लगता ना। ए पथरुद भाई, इस मामले में तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है, मैं समझे? आज के बाद उनका नाम भी नहीं लोगे तुम, तुम्हारी बात सुनकर हम लोग इस हालत में आ गए हैं। तुमने अगर आज के बाद उन लोगों को सपोर्ट करने की बात की ना तो अगले ही सेकंड में यहाँ से बाहर चले जाओगे, समझ गए तुम? नहीं, मैं आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। तुमने हमारे बिना परमिशन का किया है ना, इसलिए तुम्हें उठक बैठक करनी पड़ेगी, चलो शुरू हो जाओ। हाँ जल्दी करो। एक दो तीन चार पाँच छः। अच्छा, ए तुम रुक ये है ना, ये करेगा ना मेरे लिए कंटिन्यू। नौ दस, जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लगता है यही रहना पड़ेगा। अंकल भी हम लोगों से बहुत गुस्सा है, और कितने दिनों तक हम लोगों को यहाँ पे रहना पड़ेगा। बचने का एक रास्ता है, क्या है पता ना? क्या है, क्या है? ए क्या रे खुजूर फुजूर कर रही हो, चुपचाप सो जाओ, अगर मैं अंदर आ गया ना। आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बहुत ही तकलीफ हो रही है भाई। अरे ये कोई ज्यादा कष्ट नहीं है रे, इसमें तो कोल्ड ड्रिंक ही है। भाई कॉमेडी छोड़ो, उस लड़कियों का कष्ट देखा नहीं जा रहा मुझसे। अगर तुझसे देखा नहीं जाता तो अपनी आंखें बंद कर दे। दिल में रहम नाम की कोई चीज है या नहीं? उन्होंने गलती की है ठीक है, लेकिन उन्हें माफ तो करना चाहिए। मैं कई बार बोल चुका हूँ, वो लोग सुनते ही नहीं है, अभी ज्यादा बोलूंगा तो अपनी नौकरी चली जाएगी। वो गोपिका को तो बहुत दर्द हो रहा है, देखो ना दवा भी लिख कर दी है, उन लड़कों को बताना मत ये भी बोला है, देखो देखो। इसका जितना पैसा होगा ना मैं दूंगा, ये लो रखो। माँ हम लोगों को माफ कर दो माँ, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हम पर मेहरबानी करके हमें माफ कर दो माँ। Ah!
गोपिका, गोपिका, हाँ, गौरी, गौरी, बुला, मीना, मीना, हमें, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम अभी तक मरे नहीं। मार्कोस ने जो तुम्हें दिया वो नकली था, रजिया ने सही समय पर बताया तो हमने इसे बदला। यानी तुम लोग मरने के लिए तैयार हो गए? हाँ क्यों? बस हो गया और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मरने भी नहीं दोगे ना? तुम लोगों को हमें तड़पा तड़पा कर मारना है ना? मार डालो, हमें मार डालो। गोपिका, हम लोग गरीब हैं, तुम्हारे गुलाम हैं, जानवर पर भी थोड़ा रहम करते हैं, हम तो इंसान हैं। हम लोगों को अब जीने की कोई इच्छा नहीं है, ऐसी जिंदगी की हमें अब जरूरत ही नहीं है। नहीं, भूतनी या चुड़ैल कुछ भी बोलो आप, बस हो गया। इस दुनिया में सबसे बुरे हम लोग ही हैं ना। कातिलों जैसा बर्ताव करने के लिए तुम लोग लेकर आए ना हमें यहाँ पर। चक्कर खाकर गिरी हुई माँ को एक बार देखने तक नहीं दिया। कसम से ऐसा होगा हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन अब तो बहुत कुछ हो गया है। आपको एक बात पता है, जब हम लोग घर से भागे थे तो एक जिंदा लाश बन गए थे। इधर आए तो सोचा सब ठीक हो जाएगा, यहाँ आने के बाद सब उल्टा हो गया। उसकी वजह तुम लोग हो। बदनामी देखकर हमारा मानसिक संतुलन ही बिगड़ गया, समझ नहीं आया कुछ। आप लोगों ने और हम लोगों ने गलतियाँ की, और उन गलतियों को छुपाने के लिए उससे भी बड़ी गलतियाँ की। उस जगह पे आके जब तुम लोगों की असली जिंदगी देखी तो हमारे दिल में तुम लोगों के लिए इज्जत और बढ़ गई। वहाँ भी आकर हम लोग हार गए ये जानकर हम लोगों के अंदर जाने अनजाने में बदले की भावना जाग गई। तुम लोग मरने के लिए तैयार थी, गलत विचार के लिए तुम लोगों ने हमारे साथ दोस्ती नहीं रखी, इसलिए तुम लोगों के लिए इज्जत और बढ़ गई। हम लोगों ने जो गलतियां की, मेहरबानी करके हमें माफ कर दो। उस दिन जब हम लोग यहाँ पर आए थे तब एडवांस कैश आप मांग लेते तो ठीक हो जाता ना। हम लोगों के बारे में आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसके लिए हमको ये सब सोचना पड़ा। अगर सच कहो तो आपके पास रहने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। सिर्फ कॉमेडी के लिए हम लोगों ने ये सब किया, जाने अनजाने आप लोगों ने उस पर भी विश्वास कर लिया। मन न होने के बावजूद भी हम लोगों ने उस ड्रामा को कंटिन्यू किया। जिसे पसंद करते हैं उसे परेशान करने में मजा ही अलग होता है, इसके लिए इतना किया। आपके जैसा कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं किया, सब कुछ ऐसे ही हो गया। एक गलती को छुपाने के लिए दूसरी गलती करना वो सबको तकलीफ देता है, इसलिए हम लोगों को वो सब भूल जाना ही बेहतर है। हाँ, आज के बाद हम सब लोग खुशी से एक परिवार की तरह जिंदगी जिएंगे। हाँ सारा, हाँ ये देखो सारा, लगता है हम बच गए। हाँ? उन सारे लड़कों का गुस्सा खत्म हो गया है, अब वो लोग भी अपने जैसे हो गए हैं। क्या वो अचानक अपने जैसे मोटी हो गए? अरे नहीं बाबा, वैसे नहीं है? उन्हें अभी प्यार हो गया है, उन लोगों ने अपने दिल की बात एक दूसरे को बता दी है। वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्लो मोशन में उतर रहे थे, मैंने अभी अरे देखा। उन्हें कोई बीमारी तो नहीं हुई है इसलिए तो ऐसा नहीं कर रहे? अरे, पर तुम्हारा बनाया हुआ उन्होंने अभी तक खाया ही नहीं है। क्या ए वेलंकनी माता, मैं क्या बोल रहा हूँ इसे कुछ समझ में नहीं आता, ये कैसे इंसान है? वो लोग एक दूसरे के एकदम क्लोज हो गए हैं, समझी? हे भगवान जी, मैं प्रार्थना करती हूँ उन बच्चों से कोई गलती हुई हो तो उन्हें माफ कर दीजिए और इसको भी थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए। हाँ हे भगवान, मुझे इन सब चीजों से बचाओ। सुनो, ये सब है ना भगवान का फॉर्मूला है। अरे कोई सुन लेगा, अपना मुंह बंद करो। ए करुणा करण, मैं उन लड़कियों के बारे में सोच रहा था। अरे भाई लोग, मैं उन लड़कियों के बारे में ही सोच रहा था अब तक। हम उनके बारे में उल्टा सीधा सोच रहे थे, लेकिन वो तो बहुत संस्कारी निकली। सच है ये, हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, आप जैसा फैसला करेंगे हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। क्यों? तुम जो भी करोगे मेरे लिए ओके है। ए, ए, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, रुको 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 सुपर साइंटिस्ट लोग यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ जो पेड़ पौधे हैं उसका रिसर्च करेंगे। 20,000 लोग आ रहे हैं 6 महीने के लिए, गेस्ट हाउस के लिए, खाने के लिए। वो लोग एडवांस देकर गए। पत्रोस भैया, इतने चौक कर क्यों खड़े हो? ये देखो वहाँ पर आउट हाउस, वहाँ पर साबे। तुम्हारे गेस्ट हाउस में एक रूम मिलेगा क्या, ये जानने आए हैं। मिलेगा क्या रूम? नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर रूम नहीं मिलेगा। यहाँ पर ही क्या, हमारे दिल में भी आपको जगह नहीं मिलेगी। जाइए आप यहाँ से, हमें आपको देखना भी नहीं है। हम लोगों ने गलती की, लेकिन तुम लोग इस तरह का बर्ताव करोगे ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। एक दिन भी कभी हमारे बारे में आकर पूछा क्या? भूखे पेट हम लोगों ने रोड पे कितने दिन काटे?
हम लोग अपने पैर पर खड़े हो चुके हैं और जीना भी सीख लिया है। आपकी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, जाइए। अभी तुमने जो भी बोला ना कि हम लोगों ने अपने पैरों पर खड़े होकर एक रास्ता ढूंढ लिया है, ये सुनने के लिए हम लोगों ने ये सब तुम लोगों के साथ किया, समझ गए? उस दिन माफ करके तुम लोगों को अपने साथ लेकर चलते तो क्या तुम लोग अपना रास्ता ढूंढ पाते? कभी नहीं, ये लोग गलतियों पे गलतियां करते। तुम्हारे पापा उसके बाद चैन से कभी नहीं सोए, टाइम पे ठीक से कभी खाना नहीं खाया उन्होंने। तुम लोगों को इस हालत में देखकर उन्हें दर्द हो रहा था, लेकिन वो फिर भी चुप रहे, सब सहते रहे, अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्होंने ये सहा है। मैंने तो 3 बार सोचा तुम्हें लेकर आऊं घर पर, लेकिन इस भार्गव के डर से मैंने फैसला बदला। हाँ, मैं ही जिद करके फैसला लेने वाला जज हूँ। विदेश में रहने वाला इंद्रन भी लड़कों को लेकर आओ ऐसे बोल रहा था, और तुम्हारी माँ वो तो रो रो कर कह रही थी कि उन्हें लेकर आओ। तुम लोग सुधर जाओगे, इस बात पर उनको विश्वास नहीं था। ये देखो बेटा, इस उम्र में जो भी सीख मिलती है वो आपके गुणों को बदलती है। अभी तुम्हें असली जिंदगी का मतलब समझ में आया होगा। हम लोग भी यही चाहते हैं। हम लोगों का बर्ताव थोड़ा खतरनाक था, ये बात हम मानते हैं। तो क्या हुआ, आप लोगों को जिम्मेदारी तो आ गई ना, हाथ भर के पैसे तो आ गए ना। फिर भी अगर वर्गी मास्टर नहीं होते तो हम लोग जिंदा नहीं होते आज। कौन? वर्गी मास्टर। वर्गी मास्टर। देखो बच्चों, मैंने तुम लोगों की जो मदद की है ना, वो इन्हीं का दिया हुआ बंगला है। ये आउट हाउस, ये बंगला इन्होंने ही मुझे दिया था। तुम लोगों को जो पैसों की जरूरत थी, वो पैसा देने वाले भी यही हैं। किसी जमाने में क्रिमिनल बनकर घूमने वाले इस वर्गी को आज जो ये शहर इज्जत देता है ना, उसके पीछे भी इन्हीं का हाथ है। मेरे ऊपर इन्होंने जो उपकार किया ना, उसे मैं कभी चुका नहीं सकता। पापा, हमें माफ कर दीजिए। कैसे बच्चे लोग हो तुम, हाँ? चलो। जो कुछ भी हो, बच्चे लोग और पापा लोग साथ में होने की वजह से अभी अंदर जो भी है ना, उसे हाथों हाथ खत्म कर दो। गोपिका, यहाँ आओ बेटा। ओहो, कितना शर्मा रही हो, इतने दिनों से ये शर्म कहाँ छुपा के रखी थी। अच्छा, एक दिन शुभ मुहूर्त निकाल कर तुम्हारे घर पे आकर तुम्हारी शादी फिक्स करवा देता हूँ। नहीं नहीं, हम सब लोग साथ में जाकर बात करेंगे।